अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाओ मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। सो आज हमने चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन की वन शॉट सीरीज़ का पार्ट 2 कवर करना है और मैं कोशिश करूँगा कि आइदर या तो इसी के अंदर ये चैप्टर कवर कर लूँ या फिर इसके बाद एक छोटी सी वीडियो बनेगी दैट वुड बी मैक्सिमम अबाउट 20 मिनट्स या 25 मिनट्स और ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। और आज हमने बेसिकली ब्रेन को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है, ब्रेन के तमाम कंपोनेंट्स वगैरह को भी। तो फिर स्टार्ट करते हैं और जो टॉपिक है हमारा वो ब्रेन एंड इट्स पार्ट्स है। इससे पहले मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, ताकि उसके बाद हमें आसानी हो ब्रेन के सारे पार्ट्स को। फिर यहाँ पर हमारे पास डायग्राम्स भी हैं और डायग्राम्स के थ्रू हम ब्रेन के सारे पार्ट्स समझेंगे। और फिर आखिर में बुक रीडिंग, एज ऑलवेज वी डू, बुक रीडिंग तो मस्ट है, विदाउट बुक रीडिंग कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बेसिक्स को यहीं से डिस्कस कर लेता हूँ मैं, फिर ताकि जो भी बातें हैं रिलेटेड टू द ब्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर में आगे डिस्कस कर लूँ। तो कह रहे हैं जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, इंसान का नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसके दो पार्ट्स हैं। जो नर्वस सिस्टम है हमारा उसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक पार्ट है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी के सेंटर में होता है। अगर इंसान की अगर इस तरह कोई अजीब सी तस्वीर बनाई जाए तो यहाँ सेंटर में हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। तो ब्रेन जो है, और यहाँ ब्रेन यहाँ पर होता है सर में और नीचे होता है स्पाइनल कॉर्ड, पूरा यहाँ से एक्सटेंड कर रहा होता है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरी हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होती है और ये पूरा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेन होता है। ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, सब पढ़ाऊँगा आज और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, जिसकी पोजीशन सेंट्रल है हमारी बॉडी में और वो हमारी बॉडी के मिड लाइन में पाया जाता है। कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली हमारे पास नर्व्स होती हैं, नर्व्स का दूसरा नाम है न्यूरॉन होती हैं। सर कौन सी न्यूरॉन? वो न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन से शुरू होंगी या वो न्यूरॉन जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होंगी। तो बेसिकली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ न्यूरॉन, बहुत सारी न्यूरॉन या बहुत सारी नर्व जो कि हमारे या तो ब्रेन से निकल रही होंगी या हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होंगी। तो वो नर्व्स, वो न्यूरॉन या वो नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाली जो ब्रेन से निकलती हैं हम उनको क्रेनियल नर्व का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? क्रेनियल नर्व्स। एंड वो न्यूरॉन्स या वो नर्व सेल्स हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं हम उनको नाम देते हैं स्पाइनल नर्व, ठीक है। हमारी बॉडी में जो क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, ब्रेन के किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं, वो 12 इन नंबर हैं। एंड जो स्पाइनल नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं दे आर 31, ठीक है। ये दोनों MCQ के पॉइंट थे। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसका काम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बेसिकली इंपॉर्टेंट काम है दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है मेरी पूरी बॉडी के साथ। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए एक तरह का हाईवे है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। अगर कोई सेंसेशन है टच की वगैरह की तो ब्रेन को कैसे पता चलेगा? वो जो हमारी बॉडी के, फॉर एग्जांपल किसी ने हाथ पे टच किया तो हाथ में मौजूद होती हैं स्पाइनल नर्व्स या क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स होती हैं बेसिकली, वो सिग्नल लेके जाती हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है एक तरह का कनेक्टिंग सिस्टम है जो कि कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारी बॉडी के पूरे पार्ट के साथ। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वो सेंटर है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये वो एरिया है हमारे नर्वस सिस्टम का जो इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है यानी कि एनालाइज करता है। कोई भी जब इन्फॉर्मेशन आती है इसके बाद, चाहे वो सेंस की हो, टच की हो, स्मेल की हो, टेस्ट की हो, वो उसको समझने की कोशिश करता है, ठीक है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो रिसीव होती है उसको प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, प्रोसेस और एनालाइज कर लेता है तो फिर समझने की ना कोशिश करता है। वो कहता है कि यार अगर मुझे कोई चीज़ बिटर लग रही है, कड़वी लग रही है, या तो अगर वो खाना है तो हो सकता है वो पुराना हो गया हो, फॉर एग्जांपल, या फिर कोई टच था और टच ऐसा था कि इसको लग रहा है काफ़ी पेन फील हो रहा है तो ये समझ जाएगा कि अगर मुझे पेन फील हो रहा है यानी कि जो ये टच है ये ऐसा टच है जो मेरे टिश्यू को डैमेज कर रहा है। तो बेसिकली सारी थॉट्स हैं जो ब्रेन के अंदर अराइज होती हैं यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अराइज होती हैं। थॉट्स आर जनरेटेड और फिर जब वो थॉट आ जाती है तब उसको महसूस होता है कि ये टच जो है वो पेन कॉज कर रहा है, मेरे टिश्यू को डैमेज कर रहा है। तो हम क्या, ब्रेन जो है सिग्नल भेजता है अपने हाथ के मसल्स को कि प्लीज़ अपना हाथ वहाँ से रिमूव कर लो। और जो सिग्नल है वो आता तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पैदा होता है, बट जो आगे जाता है सिग्नल वो आगे स्पाइनल नर्व्स या फिर क्रेनियल नर्व्स के थ्रू जाता है। बेसिकली जो हमारी मसल्स के पास सिग्नल जाता है वो स्पाइनल नर्व के थ्रू जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है इंटर न्यूरॉन, ठीक है। MCQ का पॉइंट है हमारे ब्रेन में जो इंटर न्यूरॉन है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंटर न्यूरॉन है, कौन सी टाइप न्यूरॉन की? इंटर न्यूरॉन वाली। एक सेंसरी होती है, एक मोटर होती है और फिर सेंसरी मोटर इंटर इंटर वो होती है जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट कर रही होती है बीच में। जो इंटर न्यूरॉन है हमारे ब्रेन में सबसे ज़्यादा है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा है, जो कि 10 से लेकर 100 बिलियन के अराउंड है। MCQ का पॉइंट है, याद रखना है। तो नर्वस सिस्टम हमारे दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो पार्ट आते हैं जिसको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली दो कंपोनेंट है उसके, एक है उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक है सोमैटिक। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कि हमारी मसल्स को कंट्रोल करता है या फिर हमारी उन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो वॉलंटरी होती हैं। वॉलंटरी यानी कि हमारे कंट्रोल में होती हैं, वी कैन कंट्रोल यानी कि कौन सी मसल को मूव करना है वगैरह, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है कम्युनिकेट करता है सेंस ऑर्गन के साथ और वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन, वॉलंटरी काम सारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कम्युनिकेट करता है हमारी बॉडी के जो अंदर वाले ऑर्गन है ना, इंटरनल ऑर्गन, उनके साथ कम्युनिकेट करता है और ग्लैंड्स के साथ। क्यों? क्योंकि ये हर ऑटोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है। देखो, दिल का धड़कना हमारे इंसान के कंट्रोल में नहीं है कि मैं दिल को भी तेज़ धड़का दूँ या कम धड़का दूँ। सांस, इस रेस्पिरेटरी रेट, सांस को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है, वो वॉलंटरी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सवाल कर सकते हैं कि सर अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है, सर आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो अपनी सांस रोक सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। कब तक रोकोगे? एक काम करो, रोक के बैठ जाओ 30 मिनट तक, देन आई विल सी कि तुम कितना रोक सकते हो। तो बेसिकली या रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ना, रिस्पायरेटरी रेट टू अ सम एक्सटेंट हमारे कंट्रोल में है, बट एक वक्त आएगा कि हम उसको रोकना चाहेंगे बट सांस हम रोके बगैर ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब है प्रॉपर्ली ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना, तो इसलिए हम रिस्पायरेटरी रेट को भी ऑटोनॉमिक के अंदर काउंट करते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी के, वो इंटरनल ऑर्गन के साथ डील करता है और हमारी बॉडी के ग्लैंड्स के साथ डील करता है, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, वो बेसिकली जो कि हमारा वॉलंटरी है, हमारे बस में है। उसके फर्दर अगर मैं डिवीजन करना चाहूँ तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम दो तरह का है, एक है सेंसरी और एक है मोटर। सेंसरी वो है जो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, सोमैटिक वो है जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का सेंसरी पार्ट वो है जो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट पार्ट से ब्रेन की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और जो मोटर है ये वो है जो हमारे ब्रेन के सिग्नल्स को लेके आता है बैक टू अवर मसल्स वगैरह, ठीक है। तो सोमैटिक के दो पार्ट हैं, सेंसरी एंड मोटर। और जो ऑटोनॉमिक है उसके भी दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो है जो हमारी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा है। कौन सी? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक कैसी है? सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ वो हैं जो आप बेसिकली एमरजेंसी की सिचुएशन में करते हो। तो बेसिकली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एमरजेंसी में एक्टिव हो जाता है। अगर आपकी लड़ाई हो रही है तब एक्टिव हो जाएगा आपका। अगर आपकी लड़ाई हो रही है तो बेसिकली यू नीड एनर्जी, एंड व्हेन यू नीड एनर्जी बेसिकली आप सांस तेज़ लोगे ताकि जल्दी से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए, ज़्यादा ब्रेकडाउन करे आपके फूड की, ज़्यादा ब्रेकडाउन फूड करेगी बेसिकली दैट विल गिव यू मोर एनर्जी। और आप ज़्यादा सांस लेते हो ताकि आपके मसल्स के अंदर भी ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे, आपके ब्रेन के अंदर भी ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे। तो एमरजेंसी की सिचुएशन में सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक है ना, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला सिस्टम भी कहलाता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मतलब क्या है? तो आप सुकून में होते हो ना, तो सुकून के टाइम पे जो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक वाला पार्ट है, ठीक है। मैं इसको ओवरव्यू पूरा चैप्टर कराने के बाद दोबारा दूंगा इस पार्ट का, ठीक है, इंशाल्लाह, ताकि आपको पूरी चीज़ें एक तरह से वहाँ पर समझ में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो किस तरह, उसके कवरिंग क्या है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेरे पास CNS बेसिकली इट इज़ प्रोटेक्टेड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन आता है, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों इतने डेलिकेट और इतने सेंसिटिव है ना कि इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो जो हमारा ब्रेन है हमारे सर के अंदर, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय आवर स्कल। तो बेसिकली जो ब्रेन है उसके बाहर इस तरह का स्कल होता है और यहाँ पर अंदर है मेरे पास, समझो, इमेजिन इट इज़ अ ब्रेन और ये पूरा स्कल की कवरिंग है। दिस होल स्कल इज कवरिंग यूर दिस पार्ट दैट इज़ योर ब्रेन। अब स्कल की कवरिंग तो है, ठीक है भाई, बोनी कवरिंग है जिसको हम स्कल कहते हैं। स्कल का दूसरा नाम है क्रेनियम, जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। वेरी गुड। स्पाइनल कॉर्ड को कौन फिर प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो अंदर इस तरह मौजूद होती है, उसका ये H बटरफ्लाई शेप एरिया अंदर का, और यहाँ पर बेसिकली जो वर्टिब्रा होते हैं, बहुत सारे वर्टिब्रास मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। ये मैंने आपके सपोर्टेड मूवमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो ये जो प्रोटेक्शन है, कवरिंग है, बोनी कवरिंग, जो इसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर मौजूद होती है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है आपका स्कल क्रेनियम, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है आपका वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, जो कि, या फिर स्पाइन भी कहते हैं, जो कि पूरी बॉडी में आपकी फैली हुई है, ठीक है। फिर ये जो बोनी कवरिंग है स्कल की, जिसको हम क्रेनियम भी कह रहे हैं, ब्रेन के लिए स्पाइनल कॉर्ड दोनों के लिए, ये जो बोनी कवरिंग्स है ना, इनके नीचे तीन और लेयर होती हैं. इमेजिन दिस इज अ बोनी कवरिंग एंड इमेजिन दिस बोनी कवरिंग इज फॉर बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो इसके नीचे आपकी जो ये बोनी कवरिंग है फॉरन, इस बोनी कवरिंग के फॉरन नीचे होता है आपका एक लेयर कॉल्ड ड्यूरा मैटर. ठीक है, फिर आता है आपके पास एरेक्नॉइड मैटर, फिर आता है आपका पायामीटर. तो ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पायामीटर, ये हमारे पास मेनिन्जीज कहलाती हैं. बेसिकली ये मेम्ब्रेन्स हैं, ये मेम्ब्रेन की कवरिंग है जो आपकी बोनी कवरिंग के नीचे, यानी कि अब खुद सोचो हड्डी की कवरिंग भी है, उस हड्डी के नीचे आपके पास तीन मेम्ब्रेन की कवरिंग भी हैं, जिसको आप क्या कहते हो, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पायामीटर. और ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आउटर टू इनर क्या स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर मैं बात करूं आउटर टू इनर, यानी कि बाहर से लेके अंदर कौन कौन सी कवरिंग किस तरह आती है. सबसे पहले ड्यूरा मैटर आती है, फिर एरेक्नॉइड एंड फिर पायामीटर. तो डैप इज़ द सीक्वेंस. अगर नीचे से ऊपर जाऊंगा, यानी कि अगर नीचे ब्रेन होगा, ठीक है, ब्रेन के ऊपर ये पायामीटर की कवरिंग आएगी, दैन उसके ऊपर एरेक्नॉइड मैटर की कवरिंग आएगी, फिर उसके ऊपर आएगी ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर के ऊपर आपका आ जाएगा स्कल. अब स्कल जो है ना, जो आपकी बेसिकली कवरिंग है बोन्स वाली, ठीक है, स्कल, ये और स्कल के ऊपर फिर एक और चीज़ होती है स्काल्प. स्काल्प के ऊपर आपके हेयर्स वगैरह ग्रो कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये सारी बात है. और अगर इसको मैं डायग्राम से शो करना चाहूँ ना, तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो आउटर पार्ट है, ये दिस आउटर पार्ट, आउटर कवरिंग, इसको हम नाम देते हैं, वेट में कलर चेंज कर लूँ, जो आउटर कवरिंग है हम इसको नाम देते हैं ड्यूरा मैटर. क्या, ड्यूरा मैटर, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ योर मेनिन्जीज, नॉट द स्कल. देखो ये स्कल, ये रहा स्कल, को हमने यहाँ पर काट दिया है, दैट इज़ योर स्कल. स्कल के अंदर जैसे स्कल को आप हटाओगे, नीचे जाओगे, तो फॉरन जो मेनिन्जीज की कवरिंग आती है, मेनिन्जियल कवरिंग, दैट योर ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर के बाद दिस वन इज कॉल्ड एरेक्नॉइड मैटर, इट्स कॉल्ड एरेक्नॉइड मैटर, एंड दिस वन द इनर मोस्ट इज कॉल्ड पायामीटर. तो ब्रेन को फॉरन से कौन लाइन कर रहा है, ब्रेन को फॉरन से लाइन कर रहा है योर पायामीटर की कवरिंग. देन आती है एरेक्नॉइड मैटर, देन आती है ड्यूरा मैटर. ये एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है हर हाल में. अच्छा, एक और एमसीक्यू का पॉइंट बताने जा रहा हूँ. ड्यूरा मैटर तो है भाई, ठीक है, वेरी गुड, ड्यूरा मैटर है. ड्यूरा मैटर के बाद आपका आता है एरेक्नॉइड मैटर और फिर आता है पायामीटर. जो एरेक्नॉइड मैटर और पायामीटर है ना, इसके बीच में एक फ्री स्पेस है. क्या है, फ्री स्पेस. और इस फ्री स्पेस के अंदर कौन सी सर, फ्री स्पेस के अंदर द फ्री स्पेस बिटवीन योर एरेक्नॉइड मैटर एंड बिटवीन योर पायामीटर, इस फ्री स्पेस के अंदर एक फ्लूइड होता है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड स्टैंड फॉर CSF is the fluid which is present between arachnoid matter and pyometer, not between dura and arachnoid. ठीक है, तो arachnoid and pyometer, AP के between में मौजूद है CSF, cerebrospinal fluid, जो कि एक तरह से cushioning प्रोवाइड कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ब्रेन का वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 1.4 kg होता है. ये भी आपने याद रखना है, ब्रेन का वेट 1.4 kg होता है. ये पेपर में पूछा जाता है, या फिर 1400 ग्राम. अगर 1500 ग्राम भी आ जाए ना, दैट इज़ करेक्ट टू. ठीक है, सो अगर इसी मेनिन्जियल कवरिंग को मैं यहाँ दिखाना चाहूँ ना बेसिकली, तो अगेन हमारे पास ये स्कल बोन है. ठीक है, स्कल बोन के बाद ये जो आउटर लेयर है, ड्यूरा मैटर है, पर उसके नीचे एरेक्नॉइड मैटर है. अब देखो, एरेक्नॉइड और पायामीटर, ये रही, इस एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में ये पूरी फ्री स्पेस है, और इस फ्री स्पेस के अंदर हमारे पास मौजूद है क्या, अवर फ्लूइड, दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, अच्छा, ये स्पेस जो बेसिकली ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पायामीटर, वो स्पेस जो एरेक्नॉइड मैटर और पायामीटर के बीच में पाई जाती है, लिख लो अपने पास, वो स्पेस जो एरेक्नॉइड मैटर एंड पायामीटर के बीच में पाई जाती है, उसको सब एरेक्नॉइड कहते हैं, क्योंकि वो एरेक्नॉइड के नीचे है ना. तो सब एरेक्नॉइड इज द स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड मैटर एंड पायामीटर. अगर मैं सब ड्यूरल कहूँगा तो दैट शुड बी बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर. ये दोनों एमसीक्यू के पॉइंट हैं, राइट दिस डाउन. ठीक है, तो अगर यहाँ से दिखाना चाहूँ, देखो आपकी ये स्कल बोन है, स्कल बोन के नीचे तीन ये मेम्ब्रेन्स आती हैं. सबसे बाहर है आपका ड्यूरा मैटर, फिर उसके बाद आता है एरेक्नॉइड मैटर, फिर आता है आपका पायामीटर. तो और ये एरेक्नॉइड और पाया, एरेक्नॉइड एंड पाया के बीच में ये फ्लूइड की लेयर है, जिसको हम CSF कहते हैं, और इस स्पेस को, जो फ्री स्पेस है, उसको हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं. ठीक है, और ये पूरा आपका ब्रेन है. फिर नीचे आपका ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये तो वर्टिब्रल कॉलम है, तो बेसिकली आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, फाइन. तो ये वाला पार्ट था और ये मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर दिए हैं कि ड्यूरामेटर है, एरेक्नॉइड एंड पायामेटर है, फिर एरेक्नॉइड और पाया के बीच में सीएसएफ फ्लूइड होता है जो कि कुशन करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। अच्छा, ये तीनों लेयर जो हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी इसी तरह होती हैं कि वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियाँ होती हैं, उसके बीच में फिर होता है ड्यूरामेटर, देन एरेक्नॉइड मेटर एंड पायामेटर। सेम सीक्वेंस फॉलो होता है, सेम सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं ब्रेन की, ब्रेन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन कंपोनेंट है, ठीक है, और बेसिकली स्कल के अंदर होता है, प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। जो कह रहे हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर है और जो ह्यूमन ब्रेन है और जितने भी एनिमल्स का ब्रेन है वो सारा सेम है, सेम डिज़ाइन, सेम स्ट्रक्चर। और जो डिफरेंस आ जाता है कि हमारी ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है इट इज़ मोर डेवलप इन ह्यूमन MCQ पॉइंट। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो एनिमल और ह्यूमन के बीच में डिफरेंस है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो इंसानों का वेल डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा हाई फंक्शन रखता है, आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो और फिर आप मेमोरी रिटेन कर सकते हो। ह्यूमन ब्रेन बहुत बड़ा है, उसका वेट 1.4 kg या 3 पाउंड्स है और कह रहे हैं हमारी बॉडी वेट पे डिपेंड करता है और सेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि कोई बच्चा छोटा होगा ऑब्वियसली उसका ब्रेन का वजन कम होगा, ठीक है। अब ब्रेन को बेसिकली डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स के अंदर। जो ब्रेन है हमारा, अब देखो ये डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी बताऊँगा। ब्रेन को पहले मैं सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट है मेरा फोर ब्रेन, एक है मेरा मिड ब्रेन और एक है मेरा हाइंड ब्रेन, ठीक है। एक पार्ट है मेरा फोर ब्रेन, एक पार्ट है मिड ब्रेन और एक पार्ट है हाइंड ब्रेन। ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ये जो फोर ब्रेन की डिवीजन है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन की डिवीजन है ना ब्रेन की, कि ब्रेन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये डिवीजन बेसिकली आपके एम्ब्रियोलॉजिकल डिवीजन्स हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल क्या मतलब? एम्ब्रियोलॉजिकल का मतलब है कि जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उस वक्त उसका ब्रेन, उसके ब्रेन का कौन सा पार्ट कहाँ से डेवलप हो रहा है, उसकी बेसिस पे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन की डिवीजन आ जाती हैं। पहले मैं आपको यहाँ इसकी डायग्राम शो करता हूँ, हम यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखो, आई होप सो के क्लियर हो। वेट, ओके, ये हमारे पास सबसे पहले है, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फोर ब्रेन, ठीक है। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट फोर ब्रेन का पहला पार्ट है फोर ब्रेन। क्या है हमारे पास? FB यानी फोर ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है इसकी फर्दर 2 डिवीजन है, जिस तरह मैं ये जो बना हुआ है, या तो टेक अ पिक्चर ऑफ इट या फिर अपने पास ड्रॉ कर लो। फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन के 2 पार्ट कौन से हैं? एक है इसका पार्ट टीलेंसेफेलॉन, एक है पार्ट इसका टीलेंसेफेलॉन और एक और पार्ट है इसका, ठीक है, दैट इज डायनसेफेलॉन, एक है इसका डायनसेफेलॉन। तो जो फोर ब्रेन है इट इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली 2 मोर पार्ट, द टीलेंसेफेलॉन एंड द वेट फोर, ये टीलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। जो फोर ब्रेन है इट इज डिवाइडेड इनटू टीलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन क्या होता है? अगर मैं इस तरह डायग्राम, ये जो यहाँ पर क्रेनियम की डायग्राम गिवन है ना, यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि ये जो आपका ब्रेन है पूरा, ये जो तस्वीर पूरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बल्कि एक और अच्छी तस्वीर है मेरे पास, ये रही। यहाँ देखो, ये जो ब्रेन है बेसिकली मैंने ब्रेन क्या किया, अगर इस तरह मेरा ब्रेन होता है ना, अगर ये ब्रेन है पूरा इस तरह, इसको मैंने बीच में से काटा है। तो बीच में से काट के ना इसको मैंने यहाँ से देखने की कोशिश की है, यानी कि इस तरह अगर ब्रेड का स्लाइस है उसको बीच में से काटो, या जिंगर बर्गर आप खाते हो कि उसको बर्गर जो होता है पूरा उसको बीच में से काटा जाता है, फिर हमें वो लेयर नज़र आती है ना कि इस तरह बर्गर होता है, बीच में पैटीज़ वगैरह मौजूद होती है उसकी। जब आप इसको इस तरह देखना चाहोगे ना तो फिर जो नज़र आएगा ब्रेन आपको इस तरह कि आपने ब्रेन को बीच में से काटा है। बीच में से काटा है तो उसका जो सबसे आउटर पार्ट है वो टीलेंसेफेलॉन है। तो टीलेंसेफेलॉन किस में आता है? हमारे पास फोर ब्रेन के अंदर आता है। तो टीलेंसेफेलॉन, ये जो आउटर पार्ट है दैट्स योर टीलेंसेफेलॉन, ठीक है, दैट्स दिस आउटर पार्ट इज टीलेंसेफेलॉन। फिर जो सेंटर के अंदर ब्रेन के बिल्कुल बीच में मौजूद है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के अंदर क्या आता है हम वो भी पढ़ेंगे, बट टीलेंसेफेलॉन ये हमारा अपर पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ब्रेन के ऊपर वाला पार्ट। और फिर हमारे पास आता है डायनसेफेलॉन जो कि ये यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। और लेट्स गो बैक टू इट अगेन कि जो, बल्कि एक मिनट यहाँ पर पहले हम इसको पूरा क्लियर करते हैं कि हमारे पास जो फोर ब्रेन था, हमारे पास जो फोर ब्रेन था उसके पार्ट कौन से थे? डायनसेफेलॉन था हमारे पास और टीलेंसेफेलॉन था। डायनसेफेलॉन एंड टीलेंसेफेलॉन। जो डायनसेफेलॉन है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर है, ओके वेट, अगर हमारे पास है यहाँ पर टीलेंसेफेलॉन। इफ़ आई टॉक अबाउट टीलेंसेफेलॉन, तो टीलेंसेफेलॉन है इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसमें आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रम। जो ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो सेरिब्रम है ना, ठीक है, जो ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, दिस सेरिब्रम, दिस होल पार्ट, ये पूरा सेरिब्रम है। ये सेरिब्रम है आपका, आता है किसके अंदर, टीलेंसेफेलॉन के अंदर। और टीलेंसेफेलॉन के अंदर सेरिब्रम तो आता ही है, फिर सेरिब्रम का दूसरा नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम भी लिखा हुआ है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी लिखा है। तो टीलेंसेफेलॉन के कौन से पार्ट हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसको सेरिब्रम भी कहते हैं, और एक और पार्ट होता है वाइट मैटर, एक होता है वाइट मैटर। सर क्या मतलब, किस तरह है? देखो बहुत सिंपल है, दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। एक मिनट, लेट मी रेज इट फर्स्ट, फिर मैं दोबारा से बताता हूँ। बस आपने क्या याद रखना है, फोरब्रेन है, फोरब्रेन के दो पार्ट हैं। कौन से दो पार्ट हैं, एक है टीलेंसेफेलॉन और एक है डाइनसेफेलॉन। ओके सर समझ गए, एक है टीलेंसेफेलॉन और एक है हमारे पास डाइनसेफेलॉन। आगे क्या कहानी है, टीलेंसेफेलॉन जो है हमारे पास, टीलेंसेफेलॉन है मेरे पास, इसकी फर्दर डिवीजन है। नंबर वन, इसमें इसका जो टीलेंसेफेलॉन का जो आउटर पार्ट है, विच इज़ ग्रे इन कलर, आउटर पार्ट एंड ग्रे इन अपियरेंस इन ब्रेन, उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। जो सेकंड पार्ट जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे होता है और वो वाइट इन अपीयरेंस होता है, दैट्स कॉल्ड वाइट मैटर। तो टीलेंसेफेलॉन के दो पार्ट हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड वाइट मैटर। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन, ये मेमोरी के साथ लिंक्ड है, ये आपके सेंसेशन के साथ लिंक्ड है, यानी सेंस को, ये ऑब्वियसली एक सेंसरी सेंसेशन जो आएगी ब्रेन के पास, उसको पहचानेगा कौन, ये ब्रेन पहचानेगा, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स पहचानेगा कि सेंसरी है। फिर अगर कोई सिग्नल भेजना है अपनी मसल को कि यार अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तो वो सिग्नल भी इसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू जाता है। तो इसके फंक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ लें, फिर वाइट मैटर, फिर हमारे पास आता है जो डाइनसेफेलॉन, फिर है हमारे पास टीलेंसेफेलॉन हो गया, अब है डाइन फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट, दैट इज़ डाइनसेफेलॉन। तो डाइनसेफेलॉन है हमारे पास, डाइनसेफेलॉन, इसके भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इसमें आता है थैलेमस, इसमें आता है हाइपोथैलेमस और एपीथैलेमस, बट इट्स नॉट जस्ट सिंपल। तो हमारी बुक की डिवीजन है उसके अकॉर्डिंग जो डाइनसेफेलॉन है उसका एक तो पार्ट है हमारे पास थैलेमस, एक पार्ट है उसका थैलेमस। और थैलेमस जो है हमारी बॉडी की जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है पहले वो थैलेमस में आती है, फिर थैलेमस से हमारे वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चली आती है। फिर जितनी भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्फॉर्मेशन देते हैं ना आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, तो सिग्नल सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आता है थैलेमस में, और थैलेमस से फिर आपकी बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स में। तो थैलेमस को हम रिले सेंटर कहते हैं, MCQ का पॉइंट है, थैलेमस इज द रिले सेंटर फॉर ऑल द सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन कमिंग टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड गोइंग अवे फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, थैलेमस। फिर जो डाइनसेफेलॉन का एक और पार्ट है हमारे पास, ठीक है, एक तो थैलेमस हो गया डाइनसेफेलॉन में, और जो दूसरा पार्ट है इसका हमारा डाइनसेफेलॉन का, थैलेमस के अलावा, अगर एक मेरे पास एक डायग्राम थी इसकी, वेट यहाँ पर नहीं है, वेट आई गेस मैंने कोई निकाली तो थी, ओके लेट्स लीव इट। बट यहाँ पर आपको नज़र तो आ रहा है कि हमारे पास बेसिकली एक यहाँ पर टीलेंसेफेलॉन है, टीलेंसेफेलॉन के फर्दर दो पार्ट्स हैं टीसी के, क्या क्या थे दोबारा रिवाइज करो, टीलेंसेफेलॉन के कौन से दो पार्ट थे, एक था सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, और एक था वाइट मैटर। फिर एक होता है इसका डाइनसेफेलॉन, ये भी फोर ब्रेन का पार्ट है, डाइनसेफेलॉन में एक हमारा थैलेमस आता है, ये डाइनसेफेलॉन है, इसका ये ग्रीन वाला पार्ट है थैलेमस है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर एक आता है हमारे पास लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, डाइनसेफेलॉन का जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ लिम्बिक सिस्टम। इस लिम्बिक सिस्टम के कौन से पार्ट्स हैं आप फिलहाल याद रख लो, एक है इसका अमिगडाला। अमिगडाला जो होता है बेसिकली वो सेक्सुअल फीलिंग के साथ डील करता है, या फिर जितना भी आपका बिहेवियर होता है ना कि आपकी सराउंडिंग में कोई शोर कर रहा है तो आप कैसे बिहेव करोगे, कोई बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा है कैसे बिहेव करोगे, या फिर जो सेक्सुअल अराउजल है, सेक्सुअल फीलिंग है, ठीक है, ये हमारे अमिगडाला से लिंक्ड है, वो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। फिर लिम्बिक सिस्टम में एक अमिगडाला आ गया, और लिम्बिक सिस्टम में एक और होता है हिप्पोकैम्पस, MCQ का पॉइंट बताने जा रहा हूँ। हिप्पोकैम्पस आपका वो पार्ट है बेसिकली, इसको हिप्पोकैम्पस कहते क्यों है, क्योंकि हॉर्स की तरह हॉर्स शू शेप लाइक होता है, ठीक है, इसको हम हिप्पोकैम्पस कहते क्यों हैं, इसको हम हिप्पोकैम्पस बेसिकली इसलिए कहते हैं कि इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद ये रहा लिम्बिक सिस्टम, मिल गई डायग्राम, लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम के अंदर थैलेमस आता है जो कि रिले सेंटर है हमारे लिए, ये रहा पूरा हमारा थैलेमस। फिर इसके अंदर लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास आता है अमिगडाला जो इमोशंस या बिहेवियर के साथ लिंक्ड है, जिसमें सेक्सुअल फीलिंग भी आ गई आपकी, ठीक है। जो हिप्पोकैम्पस है ये रहा हमारा हिप्पोकैम्पस का पार्ट, ठीक है, दिस हिप्पोकैम्पस इज़ बेसिकली कंसर्न विद व्हाट, इट इज़ कंसर्न विद योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, इट इज़ कंसर्न विद लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो लंबे अरसे की मेमोरी है जिसको आप याद रखना चाहोगे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लेकिन एक और MCQ का पॉइंट, सर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ कौन डील करता है, या फिर सिर्फ वो मेमोरी कि आपको चलना कैसे है, बाइक चलाना सीखनी है, जो प्रोसीजर्स होते हैं, ऑपरेशन कैसे करना है, मुझे पता है पढ़ाना कैसे, ये सारी प्रोसीजरल मेमोरी है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और जो प्रोसीजरल मेमोरी है इसके साथ आपका डील करता है फोर ब्रेन का पार्ट। कौन सा पार्ट? द सेरिब्रल कॉर्टेक्स वगैरह, सेरिब्रल कॉर्टेक्स वगैरह, ठीक है। तो अगर मैं इन शॉर्ट दोबारा बताना चाहूँ यहाँ पर, तो फोर ब्रेन होता था हमारे पास। फोर ब्रेन की दो डिवीजन थी, टीलेंसेफेलॉन एंड डाइनसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन के अंदर हमारा आया सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, जिसको हम सेरिब्रम भी कहते हैं, सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स आता है और वाइट मैटर आता है। फिर होता है डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन में हमारा थैलेमस आया, ठीक है, और लिम्बिक सिस्टम आया। फिर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हमने वैसे इस चैप्टर में आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। अगर मैं हल्का सा दोबारा बताना चाहूँ अबाउट हाइपोथैलेमस, तो जो हाइपोथैलेमस है ना, जो मैंने कहा ना आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ डील करता है। और जो आपकी जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर खैर सारी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। तो जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी सारी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनके साथ भी हाइपोथैलेमस डील करता है कि आपका ब्रीथिंग रेट क्या होना चाहिए, आपको भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, गुस्सा आना, रेज, फियर, ठीक है, गर्मी का लगना, सर्दी का लगना, ये सारा हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का काम एक और भी होता है ना, थर्मो रेगुलेशन वगैरह। तो इन तमाम चीज़ों के साथ हाइपोथैलेमस डील करता है, ठीक है। तो ये पूरा ब्रेन का, फोर ब्रेन का पार्ट है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर के वो आएगा हमारे पास मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम मेसेन्सेफेलॉन भी कहते हैं, ठीक है। और मिड ब्रेन कैसा होता है अगर मैं डायग्राम के थ्रू यहाँ दिखाना चाहूँ, ठीक है, ये रहा, सी हियर, ये पूरा फोर ब्रेन हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका थैलेमस, ठीक है। यहाँ पर नीचे होता है इसका, यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पर होता है आपका हाइपोथैलेमस, यहाँ पर होता है आपका, चेंज द पेन, यहाँ पर होता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये फिर ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। एक चीज़ होती है दैट्स कॉल्ड ब्रेन स्टेम, एक चीज़ है हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के बेटा तीन पार्ट्स हैं, एमसीक्यू पॉइंट है, ओके। ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट हैं, एक ब्रेन पार्ट है उसका मिड ब्रेन, एक पार्ट है उसका पॉन्स, एक पार्ट है उसका मेड्यूला। अपने पास लिख लो, ये बहुत दफ़ा आया पेपर में। मिड ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है? ये जो पूरा पार्ट नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको छोड़ के, ये जो हैंड ब्रेन बना हुआ है इसको हटा के, ये जो ये वाला पार्ट आ रहा है पूरा, दिस होल पार्ट, दिस इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम, जिसमें मिड ब्रेन आता है, पॉन्स, मेडुला। इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये मैं रीडिंग के थ्रू बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट्स हैं, एमसीक्यू का पॉइंट है, जस्ट राइट इट डाउन। फिर और क्या है सर? ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट हो गए, ओके सर। ब्रेन स्टेम के साथ साथ मिड ब्रेन आपके ब्रेन स्टेम के अंदर आता है, लेकिन मिड ब्रेन सिर्फ ब्रेन स्टेम के अंदर नहीं आता। हमारे पास एक और चीज़ है, हमारे पास एक और चीज़ भी है, लेट मी रेज इट फर्स्ट। तो ब्रेन स्टेम, आई होप्स हो कि आपने लिख लिया है यहाँ पर, ओके। इसको क्या हो गया, वेट, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन, लेट्स कंटिन्यू व्हाट वी वर डूइंग, ओके, वेट। हाँ, तो मैंने आपको ब्रेन स्टेम के पार्ट लिखवाए, और ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे पास तीन पार्ट्स आ रहे थे, ठीक है। ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे पास तीन पार्ट आ रहे थे, क्या था हमारे पास? पहला था एक ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में हमारे पास मिड ब्रेन आता है, हमारे पास आता है पॉन्स, हमारे पास आता है मेडुला, ठीक है। ये है हमारे पास मिड ब्रेन, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं पॉन्स, और यहाँ पर होता है हमारा मेडुला, ठीक है। ये तीन ब्रेन स्टेम के अंदर आ गए। ब्रेन स्टेम के अलावा एक पार्ट है ब्रेन का, उसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन के कौन से कंपोनेंट्स हैं वो भी याद रखो। देखो बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो ब्रेन स्टेम को समझते हैं हाइंड ब्रेन, ब्रेन स्टेम सेम है, बट ऐसा नहीं है। जो हाइंड ब्रेन है इसके अंदर आपका आ जाता है मिड ब्रेन, ओके सर, मिड ब्रेन आ गया। और क्या आता है मिड ब्रेन के अलावा? पॉन्स आ जाता है, सर ये तो सेम है, मिड ब्रेन भी आ गया, पॉन्स भी, डिफरेंस यहाँ आता है। अगर पॉन्स और मेडुला, सॉरी मिड ब्रेन और पॉन्स के साथ लिखा होगा मेडुला, दैट विल बी योर ब्रेन स्टेम, जो कि स्ट्रेट पार्ट है। बट अगर मिड ब्रेन हो, ओके, पॉन्स हो, ओके, और ये जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, जिसको हम कहते हैं सेरिबेलम, ये लेबलिंग गलत है थोड़ी इनकी, इसको, इस पार्ट को कहते हैं सेरिबेलम। तो ये जो सेरिबेलम और ये पूरा एरिया, ठीक है, वेट, ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला, मैं इसको चेंज कर लूँ, ये जो पूरा एरिया है बेटा, दिस होल पार्ट, जिसमें ये वाला पार्ट भी आ रहा है, ये भी एक्सेप्ट मेडुला। इस मेडुला को हटाकर, ठीक है, इस मेडुला को हटाकर आपका मिड ब्रेन, पॉन्स एंड सेरिबेलम, ये तीनों मिलके हाइंड ब्रेन बनाते हैं, इनको अपने पास लिख लो। इसके फंक्शन हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है ब्रेन के। अब एक काम करते हैं, जस्ट रीड इट आउट, इंशाल्लाह आप रीड करते हैं और आई होप सो कि आपको सब समझ में आएगा। देखो हमारे पास है फोर ब्रेन, जो फोर ब्रेन है उसके अंदर क्या क्या आ रहा था। फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास आ रहा था, यहाँ अगेन देख लो हमारे, मैंने एक जो फ्लो चार्ट वाली डायग्राम है ना, ये अपने पास रख लेना। फोर ब्रेन है हमारे पास, इस फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास आ रहा था टीलेंसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन, ठीक है, मिड ब्रेन में आया था वो, ओके। फिर हाइंड ब्रेन के अंदर हमारे पास पॉन्स आता है, सेरिबेलम आता है, ठीक है, पॉन्स, सेरिबेलम और मिड ब्रेन भी आ जाता है। फिर आता है हमारे पास हाइंड ब्रेन, उसके अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, बट हाँ हाइंड ब्रेन के अंदर ये नहीं आता बेटा, माइलेंसेफेलॉन नहीं आता। जस्ट लीव दिस, इस चीज़ को छोड़ दो, दैट्स रॉन्ग अगेन, जो मैंने बात बताई है, जस्ट राइट दैट डाउन, ओके। तो जो फोर ब्रेन है वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और फोर ब्रेन के दो रीजन हैं, टीलेंसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन। जो टीलेंसेफेलॉन है उसके अगेन दो पार्ट्स हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं उसको, या सेरिब्रम कहते हैं, ओके। दोबारा जो टीलेंसेफेलॉन है, टीलेंसेफेलॉन उसके दो पार्ट्स हैं, उसको हम सेरिब्रम कहते हैं या सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। कैसे? ये ब्रेन को मैंने बीच में काटा ना, तो जब ब्रेन को हम काट रहे होते हैं ना, लेट मी सी, अगर मुझे कोई डायग्राम मिलती है तो यहाँ से समझो, यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्रेन है आपके पास, इमेजिन इस ब्रेन, ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको मैं कहता हूँ सेरिब्रम। ये सेरिब्रम है ना बेटा, ये पूरा टीलेंसेफेलॉन है या सेरिब्रम है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है या सेरिब्रम, ये लेफ्ट सेरिब्रम, ये राइट सेरिब्रम, ठीक है। तो टीलेंसेफेलॉन है, उसके अंदर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ओके सर। कैसे? हमारे पास अगेन ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों आपस में कनेक्टेड है ना। यहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स होती हैं इस तरह, जिस तरह मैं ब्लैक बना रहा हूँ, ये जो यहाँ न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, उस तरफ जा रही हैं, कुछ न्यूरॉन्स होती हैं तो इन दोनों पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रही होती है। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट? एक्सॉन। तो अगेन अगर मैं बनाऊँ तो इमेजिन एक पार्ट ये हो गया, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और उसके बीच में मेरे पास यहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स हैं जिनको हम एक्सॉन कहते हैं, जो इन दूसरों एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं। इनका नाम है कॉर्पस कैलोसम। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ये जो एक्सॉन्स का नेटवर्क जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट कर रहा है, एमसीक्यू का पॉइंट है, दैट्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। तो बेसिकली जो एक हाइंड ब्रेन, जो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर की इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे वाले में जा रही होती है थ्रू दिस, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, बैंड ऑफ एक्सॉन है। अच्छा, जो कह रहे हैं जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसका आउटर ग्रे मैटर होता है जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर वाइट मैटर है। तो सेरिब्रम है या जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसका आउटर पार्ट जो है उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। ये जो आउटर पार्ट है हमारे पास, ये दिस विल बी कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो इनर पार्ट होगा यहाँ पर उसको हम कहेंगे वाइट मैटर, ठीक है। कह रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला रीजन है हमारे ब्रेन का, इसमें 10 से लेकर 50 बिलियन न्यूरॉन होती हैं। किसमें? सेरिब्रम के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूरॉन है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है या सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, बेसिकली हमारा ऊपर वाला पार्ट, ग्रे पार्ट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हमारी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर स्टोर होती है, सारी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर प्रोसेस होती है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दूसरे पार्ट्स में जाती है। कौन सी सेंसेशन है उसको समझना इसी का काम है, और बेसिकली क्या काम करवाना है, कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलवाना है, कितना पानी पीना है, कौन सा काम करना है, हाथ ऊपर उठाना है, नीचे उठाना है, ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए हम कह रहे हैं कि सारा काम इसी के अंदर है। तो अगेन दोबारा, ये पॉन्स वाला पार्ट है, ये मेडुला है, दिस पॉन्स, मेडुला एंड दिस मिड ब्रेन, ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं, बट मिड ब्रेन, पॉन्स और सेरिबेलम मिलके हमारा हाइंड ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की सरफेस है हाईली कन्वोल्यूटेड है। व्हाट डज इट मीन बाय सेइंग हाईली कन्वोल्यूटेड? मैं डायग्राम ढूंढता हूँ कोई, हाँ ये देखो, इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? कुछ रफनेस, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्ट जो है वो अंदर जा रहे हैं, कुछ पार्ट्स बाहर जा रहे हैं। देखो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल एक हमारे पास गोल सरफेस हो और उसके अंदर कोई ऊपर नीचे वाली सरफेस ना हो, ऐसी इसमें इंडेंटेशंस हैं ना। ये जो इंडेंटेशंस हैं इनको ये लोग यहाँ पर जो इन्होंने नाम दिया है वो नाम दिया है कन्वोल्यूशंस का, बट हम इसको हम बेसिकली हम गायरस या गायराए भी कहते हैं इनको, ठीक है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो हाईली कन्वेल्यूटेड है, यानी कि उसकी सरफेस ऐसे ऊपर नीचे है। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है 3 फोल्ड। एमसीक्यू का पॉइंट है, कन्वेल्यूशन की वजह से सरफेस एरिया कितना बढ़ जाता है 3 फोल्ड। सर सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है, बेटा बहुत दफ़ा बताया, सरफेस एरिया हमारा बढ़ाने से फ़ायदा ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोसेस हो सकती है। जिस तरह हम पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन ज़्यादा तेज़ हो सकती है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग तेज़ हो सकती है। अच्छा, अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है हमारा, जो ऊपर वाला पार्ट था, उन्होंने उसको फर्दर डिवाइड कर दिया 3 लोब्स 4 लोब्स के अंदर, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। लेट्स सी द डायग्राम हियर। अगर यहाँ पर अच्छी है तो ओके, यहाँ अच्छी नहीं है, इसके अंदर ही जाते हैं। ये रहे, देखो दिस पार्ट अगेन, ये जो पार्ट है पूरा ये है फ्रंटल लोब, दिस इज योर फ्रंटल लोब। ये जो है आपका ये पूरा यहाँ तक, ये यहाँ तक दैट्स योर पैराइटल लोब, ठीक है। ये जो पीछे का एरिया है इसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, और ये जो कान के ऊपर वाला एरिया है दैट्स कॉल्ड टेम्पोरल लोब। अगेन फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब, देन योर दिस पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, देन योर दिस ऑक्सीपिटल लोब एंड देन दिस टेम्पोरल लोब। ये जो पैराइटल, अब इनके काम भी याद रखना है, जो फ्रंटल लोब है ना आपका, फ्रंटल लोब जितनी भी आपकी मेमोरी है, ठीक है, उसके साथ डील ये करता है, ठीक है, फ्रंटल लोब। फिर जो पैराइटल लोब है हमारा, पैराइट और हाँ मेमोरी है, थिंकिंग है वगैरह। जो पैराइटल लोब है, इस पैराइटल लोब के अंदर आपकी सेंसेशंस वगैरह आती हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन सारी इसके पास आती है। जो ऑक्सीपिटल लोब है, ये हमारे पास जो विजन है, देखना, उसके साथ लिंक्ड है। जो टेम्पोरल लोब है, इट इज़ लिंक्ड विद योर हियरिंग, ठीक है। अब इसको आप डिस्कस भी करते हैं बुक के अंदर अगेन जाकर, ठीक है। मैंने तो सिर्फ एक ही काम बताया, यहाँ पर काफ़ी काम मेंशन है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जो एक्टिविटी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की हैं वो 3 एरियाज़ के अंदर हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड मोटर एरिया। सेंसरी एरिया जो है, जो पैराइटल लोब वाला एरिया था, वो हमारी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन को इनपुट में रिसीव करता है। जो एसोसिएशन एरिया है, अब सेंसरी एरिया जो उसी पैराइटल, जो पैराइटल लोब था ना, एक तो फ्रंटल लोब था, फिर पैराइटल लोब, यहाँ पर हैंड लोब एंड फिर टेम्पोरल लोब। ये जो हमारा पैराइटल लोब था ना, इसके अंदर एक तो सेंसरी एरिया है जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिसीव कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल वो रिसीव कर लेगा कि मुझे किसी चीज़ ने टच किया है। अब वो टच कैसा है, डीप है, हल्का है, क्या वो टच कोई नॉर्मल वाला टच है या किसी बड़ी चीज़ का टच है, या आप बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपके ऊपर कोई बंदा कोई लेटर ड्रॉ करता है आपकी बॉडी सरफेस के ऊपर, तो लेटर क्या ड्रॉ किया गया है, जो सारी इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी डन इन द एसोसिएशन एरिया। तो जो एसोसिएशन एरिया है इसमें हायर मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि उस सेंस को समझा जाता है। सेंसरी एरिया सिर्फ रिसीव कर लेता है, एसोसिएशन एरिया उसको समझने की कोशिश करता है, उसके बारे में अगर वो बोलता है अच्छा ऐसा टच कभी मुझे पहले भी हुआ है या नहीं हुआ, फिर उसको रीज़न देखने की कोशिश करता है, कोई रीज़न देता है कि यार टच मुझे क्यों हुआ है, अच्छा मेरा पैर लड़खड़ा गया था इसलिए आया है, ठीक है। फिर उसको इंटरप्रीट करता है और एनालाइज़ करता है। फिर होता है मोटर एरिया। मोटर एरिया का काम क्या है, रिस्पॉन्स कंट्रोल करना। मोटर एरिया बेसिकली सिग्नल देगा आपकी मसल्स को कि तुम बेसिकली डिफरेंट काम करो। तो हमने बेसिकली जो जितना भी मैंने डिस्कस किया ना, सारे लोब वगैरह वो डीएंसेफेलॉन के अंदर आ रहे थे। डीएंसेफेलॉन के किसके पार्ट के अंदर, सेरिब्रम। सेरिब्रम का भी कौन सा पार्ट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला या सेरिब्रल हेमिस्फेयर वाला। फिर डीएंसेफेलॉन के बाद आया था हमारे पास फोरब्रेन का दूसरा पार्ट, दैट वाज योर डायंसेफेलॉन। देखो फोरब्रेन के 2 पार्ट थे, डीएंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। जब डीएंसेफेलॉन है उसको हमने डिस्कस कर लिया, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन में थैलेमस आता है, लिम्बिक सिस्टम आता है। थैलेमस जो है हमारे पास वो इंटीग्रेशन सेंटर है या रिले सेंटर है, इसके अंदर सारा इनपुट आता है आपकी बॉडी का, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो सारी इसके पास आती है, फिर यहाँ से चली जाती है सेरिब्रम में, ठीक है। और फिर जो हमारे पास आउटपुट इन्फॉर्मेशन जाती है ना मोटर, नर्वस मोटर वाली जो सेरिब्रम से आती है, वो भी यहाँ से गुजर के जाती है। तो कह रहे हैं इनकमिंग सेंसेशन फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स वो थैलेमस में आती हैं, और फिर जो है वो थैलेमस इसको पहचान के, फॉर एग्जांपल एक सेंसेशन आई देखने वाली, देखना भी एक तरह का सेंस है ना, विजन वाली, तो अब जो आपका थैलेमस है वो उसको समझेगा और थैलेमस बोलेगा अच्छा ये तो विजन वाली है, तो वो इसको पैराइटल लोब में नहीं भेजेगा, इसको भेजेगा हमारे ऑक्सीपिटल लोब में, क्योंकि ऑक्सीपिटल का काम है विजन। अगर कोई सुनने वाली सेंस आई है तो वो उसको भेजेगा टेम्पोरल लोब के अंदर। तो ये सारा काम बेसिकली सोच के थैलेमस उसको सही जगह पर भेजता है, ठीक है, यानी एक तरह का गाइडेंस सेंटर है थैलेमस। और ओके फिर है हमारे पास लिम्बिक सिस्टम। जो लिम्बिक सिस्टम है इसमें हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, वो कह रहे हैं, और इसमें हमारा हाइपोथैलेमस है, अमिगडाला है एंड हिपोकैम्पस है। अच्छा, ये एमसीक्यू का पॉइंट है, लिम्बिक सिस्टम इज दैट पार्ट विच इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। थैलेमस और सेरिब्रम के बीच में थैलेमस और सेरिब्रम के बीच में, दैट्स योर थैलेमस, ठीक है, एंड दैट्स योर सेरिब्रम। तो थैलेमस सेरिब्रम के बीच में ना कोई इस तरह कोई यहाँ पे चीज़ होती है। लिम्बिक सिस्टम एक जगह पर मौजूद नहीं है, कुछ पार्ट इसका यहाँ पर है, कुछ पार्ट इसका यहाँ पर है, कुछ पार्ट इसका यहाँ पर है, ये डिवाइडेड है डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो इसमें हाइपोथैलेमस आ जाता है, अमिगडाला आ जाता है, हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस जो है उसके अंदर बहुत सारी न्यूरॉन का क्लस्टर है जो हाइपोथैलेमस है, इसके अंदर कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल भी होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं। तो हाइपोथैलेमस के जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल है वो कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, एक एडीएच करते हैं और एक करते हैं ऑक्सीटोसिन, दैट विल बी डिस्कस इन केमिकल कोऑर्डिनेशन, इनका काम क्या है, ठीक है। बट ये बेसिकली हम जब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पढ़ते हैं ना, तो अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से, आगे वाले पार्ट से या पीछे वाले पार्ट से एडीएच और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। याद रखना एडीएच ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बनते नहीं है, बनते वो हाइपोथैलेमस के अंदर हैं, फिर यहाँ से वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। अब कौन से पार्ट में स्टोर हो जाते हैं और रिलीज कैसे होते हैं, यू हैव टू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो बेसिकली हाइपोथैलेमस ये है और न्यूरॉन का क्लस्टर है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल हैं, और इसके साथ साथ जो है ये मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर भी है हमारे पास। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, थर्मो रेगुलेशन हमने पढ़ा है, हंगर, थर्स्ट, वाटर बैलेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल और सारे ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हाइपोथैलेमस के जरिए कवर हो रही हैं, ठीक है। दोनों ऑटोनॉमिक का सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक दोनों हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कह रहे हैं अगर हम हाइपोथैलेमस के कुछ खास एरियाज़ को टच करेंगे ना, हाइपोथैलेमस जो होता है ना वो बिल्कुल ऐसा लंबा एरिया है, अब उसका कोई एक पार्ट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, अगर ये वाला पार्ट अगर मैं बेसिकली दबाऊंगा तो इससे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन या डिफरेंट सेंसेशन या डिफरेंट एक्टिविटी होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ दबाया तो हाइपोथैलेमस को गुस्सा, अगर मैं यहाँ दबाऊँगा ना तो नॉर्मली ये पार्ट उस वक्त एक्टिव होता था जब आपको गुस्सा आता था, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ दबाया तो हालांकि आपको गुस्सा आ नहीं रहा, बट सिंस आई विल प्रेस हियर तो आपको गुस्सा आ जाएगा। या फिर ये पार्ट उस वक्त एक्टिव दबाया जाता है जब आपको भूख लगती है, तो अगर मैं इसको दबाऊंगा तो आपको फ़ौरन से भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि डिपेंडिंग कि हम कौन से एरिया को दबा रहे हैं उसकी वजह से गुस्सा भी आ सकता है, प्लेजर भी मिल सकता है या सेक्सुअल अराउजल भी। अमिगडाला जो है वो कह रहे हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर रिस्पॉन्स शो करता है टू द एनवायरमेंट स्टिमुलाई, मैंने इसकी बात की थी। किसकी अमिगडाला जो है वो हम आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसके साथ डील करता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास फीलिंग कि आप अकेले हो, लोन हो, आपको फियर है, इसके साथ साथ आपका सेक्सुअल अराउजल वो भी ये डिस्कस करता है। हिपोकैम्पस जो है हॉर्स शेप होता है, सी हॉर्स इसकी शेप होती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ डील करता है, जो कि चीज़ें आपको लंबे अरसे तक याद रखनी होती हैं। लेकिन वो मेमोरी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है या फिर प्रोसीजरल मेमोरी है कि आपने कैसे चलना है, कैसे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हिपोकैम्पस कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम जो हिंड ब्रेन का पार्ट था ना पीछे वाला, तो ऐसे निकला हुआ था, यहाँ हमारे पास मिड ब्रेन था, यहाँ पॉन्स था और मेडुला था, जो ऊपर से इस तरह फूल का एरिया था ना, दैट सेरिबेलम, वो लिंक्ड होता है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी के साथ, ठीक है। सेरिबेलम का फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली सेरिबेलम जो है ना आपके जो मोटर एक्टिविटीज़ है ना उनको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैं आपने कहीं चलना है, आप चलते जा रहे हो, आपके सामने आ गया कोई पत्थर या फिर कोई गटर का एक पूरा गटर आ गया, आपने उससे छलांग लगानी है, तो बेसिकली आपका जो सेरिबेलम है ये आपको बताएगा अब चलते हुए कि आप जब इसके इतने करीब पहुंचोगे आपने छलांग लगा देनी है। तो अगर आपका सेरिबेलम डैमेज हो जाए ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने छलांग कब लगानी है। आप देख रहे होगे कि आपको छलांग लगानी है, बट कब लगानी है, किस टाइम पे लगानी है, आप समझ नहीं पाओगे। एक और इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक ट्री है और आप उसकी तरफ चलते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, और जो आपको टास्क दिया गया था वो ये था कि इसको हाथ लगा के आपने पीछे आना है। तो अगर आपका सेरिबेलम डैमेज हो जाए ना तो आप भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, आप रुक नहीं पाओगे और आप इससे टकरा जाओगे, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे, फिर उठोगे, फिर भागते जाओगे। तो कौन से टाइम पे रुकना है, कब वो काम करना है, ये सारा काम जो है सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा होता है। क्या ये कोऑर्डिनेट कर रहा होता है आपकी मसल्स की एक्टिविटीज़ को, आपकी मूवमेंट्स को। MCQ का पॉइंट है, सेरिबेलम जो है मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। फिर है आपका मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन है वो कौन सा पार्ट था, वो जो ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है और ये मेडुला और नीचे स्पाइनल कॉर्ड पूरा। तो जो मिड ब्रेन है ये वाला पार्ट है, ये आपके ब्रेन स्टेम का भी पार्ट है और हैंड ब्रेन का भी पार्ट है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेडिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। और ये कह रहे हैं इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिले सेंटर, मेन रिले सेंटर थैलेमस है, मेन रिले सेंटर थैलेमस है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, क्योंकि जो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना पहले मेडुला से गुजरेगी, फिर पॉन्स से गुजरेगी और फिर मिड ब्रेन से गुजरेगी। तो इंपॉर्टेंट ये रिले सेंटर है, इसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। और जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ठीक है, जो रेटिक आपकी रेटिकुलर फॉर्मेशन है ना, दैट आर एफ, जो रेडिकुलर फॉर्मेशन ना सिर्फ आपके मिड ब्रेन के अंदर है बल्कि आपके पॉन्स के अंदर भी होती है, आपके मेडुला के अंदर भी होती है। ठीक है, जो रेडिकुलर फॉर्मेशन एक्सटेंड करती है मेडुला से लेके पॉन्स और फिर मिड ब्रेन के साथ और इवन के थोड़े फोर ब्रेन के पास, फोर ब्रेन जो है ना आपका, फोर ब्रेन के अंदर भी थोड़ी सी चली जाती है। कौन? रेडिकुलर फॉर्मेशन। एमसीक्यू का पॉइंट है, रेडिकुलर फॉर्मेशन एक्सटेंड करती है फ्रॉम मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। इसका काम क्या है? कब सोना है, कब जागना है। एमसीक्यू का पॉइंट है, कब सोना है, कब जाना है, जागना है। स्लीप एंड अराउजल, मसल की टोन कितनी कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा मसल सख्त होनी चाहिए नहीं, रिफ्लेक्सेस कैसे होने चाहिए, मिड ब्रेन काम करता है। एमसीक्यू का पॉइंट बताया। वैसे रिफ्लेक्सेस के साथ मेन काम जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड का है, इसका भी हल्का बुल्का काम है, बट रेडिकुलर फॉर्मेशन के हवाले से अगर कोई एमसीक्यू आया दैट शुड बी रिलेटेड टू स्लीप एंड अराउजल। स्लीप एंड अराउजल एंड मसल टोन दैट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद योर मिड ब्रेन। फिर है हमारे पास हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है आपका? मेडुला, पॉन्स एंड सेरिबेलम। लेट मी कन्फर्म इट फर्स्ट। ओके, सो आई चेक इट। मैंने आपको बेसिकली पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखवाई थी ना, जस्ट करेक्ट इट डाउन, दैट्स माई बैड, आई जस्ट अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि जो 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 यहाँ लिखा था हमने, ओके इसको करेक्ट करना पड़ेगा। और करेक्शन क्या है? करेक्शन यहाँ पर यह है कि जो ब्रेन स्टेम है ना उसके अंदर मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। ब्रेन स्टेम तो बिल्कुल ठीक लगा कि ब्रेन स्टेम के अंदर मिड ब्रेन आता है, पॉन्स एंड सेरिबेलम, बट जो हाइंड ब्रेन है ना उसके अंदर तो पीछे वाला पार्ट सेरिबेलम भी आ जाता है, पॉन्स भी आ जाता है, बट मिड ब्रेन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये एमसीक्यू का पॉइंट है, मिड ब्रेन इज़ नॉट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। बेसिकली यहाँ पर आ जाता है आपका मेडुला। क्या आ जाता है? मेडुला। तो अगेन हाइंड ब्रेन, एचबी के अंदर क्या क्या आता है? एचबी के अंदर आता है आपका पॉन्स और क्या आता है आपका मेडुला, नीचे वाले दो पार्ट्स मेडुला एंड पॉन्स, और उसके पीछे वाला पार्ट जो इस तरह होता है दैट सेरिबेलम, दैट सेरिबेलम। प्लीज़ इसको, इसकी करेक्शन कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने गलत बता दी, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस। हाइंड ब्रेन के अंदर है मेडुला, पॉन्स एंड सेरिबेलम। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। कह रहे हैं मेडुला जो है, ओके ध्यान से, जो मेडुला है बहुत सारे ऑटोनॉमिक फंक्शन कंट्रोल करता है। बेसिकली जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शन हैं वो मेडुला के कंट्रोल में आते हैं, जिसमें ब्रीथिंग है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग। तो अगर ब्रीथिंग, हार्ट रेट, थर्स्ट वगैरह का आएगा, ये सारा हाइपोथैलेमस का काम है ऑटोनॉमिक फंक्शन। बट अगर आएगा ब्रीथिंग के हवाले से, हार्ट रेट के हवाले से, ब्लड प्रेशर या स्वेलोइंग के मैकेनिज्म के हवाले से, प्लीज़ टेक मेडुला, दैट्स हाउ बुक लाइन्स कम। हालांकि हाइपोथैलेमस भी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, बट सिंस ये मेडुला है, मेडुला का मेन काम है कौन सी एक्टिविटीज़? ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर के साथ। कह रहे हैं पॉन्स लोकेटेड अबव द मेडुला टेंड टू इन्फ्लुएंस द ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। जो पॉन्स है वो मेडुला के ऊपर है, नीचे मेडुला है, ये पार्ट मेडुला है, उसके ऊपर ये वाला पार्ट है पॉन्स। जो पॉन्स है, दिस पॉन्स, PONS पॉन्स, दैट इज़ बेसिकली कंसर्न विद योर स्लीप एंड वेकफुलनेस, क्योंकि इसके अंदर भी रेडिकुलर फॉर्मेशन होता है एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप एंड इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो ब्रीथिंग, मेडुला भी ब्रीथिंग के साथ डील करता है। ठीक है, अगर ब्रीथिंग है तो ब्रीथिंग एमसीक्यूज में लिख देना, बेसिकली ब्रीथिंग के साथ दो चीज़ें डील करती हैं, मेडुला, मेडुला के साथ पॉन्स, ठीक है, एंड पॉन्स के साथ आपका हाइपोथैलेमस भी, हाइपोथैलेमस भी। ठीक है, बेसिकली हाइपोथैलेमस आपके मेडुला को भी कंट्रोल कर रहा होता है, तो इसीलिए। जो सेरिबेलम है वो कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट्स को, मैं पहले बता चुका हूँ, और इसके साथ साथ ये क्या करता है? जो सेरिबेलम है ना, ये एमसीक्यू का पॉइंट है, सेरिबेलम ना सिर्फ इन मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है बल्कि उसके साथ साथ ये आपके जॉइंट्स की पोजीशन कहाँ पर है, कौन सा जॉइंट कहाँ पर है, क्या आपने हाथ ऊपर उठाया हुआ है, नीचे उठाया हुआ है, उसके बारे में ये बताता है। और साथ साथ ये भी बताता है आपकी मसल आपने कॉन्ट्रैक्ट की हुई है एक वक्त में या रिलैक्स की हुई है। आंखें बंद करो, अपना हाथ ऊपर करो, नीचे करो, आपका ब्रेन आपको खुद बता देगा कि आपका हाथ ऊपर है या नीचे है। कुछ लोगों का ना सेरिबेलम जो होता है डैमेज हो जाता है, तो फिर एक टेस्ट होता है, उसमें आप क्या करते हो, आप बंदे को कहते हो अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करता है, फिर आप ना उसकी उंगली पकड़ते हो, उसको ऊपर नीचे करके कहीं भी रोक देते हो, फिर उसको बताते हो कि बताओ या पूछते हो उससे कि आपको हमें बताना है कि उंगली आपने ऊपर की हुई है या नीचे है। अगर उसका सेरिबेलम डैमेज है वो ये नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो दैट्स बेसिकली द सेंस ऑफ पोजीशन, जॉइंट्स या फिर लेंथ ऑफ मसल। ठीक है, और इसके साथ साथ ये ऑडिटरी एंड विजुअल इन्फॉर्मेशन भी इसके थ्रू पास होके जाती है, और जो मोटर, जो आपके ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ना, वो भी आपके सेरिबेलम में एक दफ़ा आती है। ठीक है, जो मोटर कॉर्टेक्स की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो भी इसके पास आती है, फिर सेरिबेलम जो है वो देखता है कि भाई मोटर इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर सेरिबेलम ये भी देखता है कि अच्छा मोटर इन्फॉर्मेशन तो ये थी, क्या हमारी मसल्स ने उस मोटर इन्फॉर्मेशन को फॉलो किया है या नहीं किया। फॉर एग्जांपल मोटर इन्फॉर्मेशन थी कि आपने हाथ बेसिकली टकराना है दीवार के साथ ना, तो अगर या फिर मोटर इन्फॉर्मेशन ये थी कि आपने आपकी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सीधा हाथ और उल्टे हाथ दोनों के थम्स को आपस में मिलाना है, ये मोटा इन्फॉर्मेशन थी। बट आप जब मिलाने गए तो मिलाने के दौरान एक आपका थम ऊपर से पास कर गया और एक थम नीचे से पास कर गया, आपके दोनों टकराए नहीं। तो फिर सेरिबेलम बोलेगा बेटा इन्फॉर्मेशन तो थी, दोनों को मिलाना है, आपने मिलाया क्यों नहीं? तो फिर उसको ये करेक्ट करेगा। तो बेसिकली सेरिबेलम अगेन मोटर सेंटर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उससे भी इन्फॉर्मेशन लेता है, और जो इन्फॉर्मेशन आपके नीचे वाले पार्ट से आ रही है द सेंसरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी लेता है, वो जॉइंट की एंड मसल कॉन्ट्रैक्ट है, रिलैक्स हैं, वो वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और सेरिबेलम जो है इन दोनों की इन्फॉर्मेशन मोटर वाली और सेंसरी वाली दोनों को यूज़ करके ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन करता है मूवमेंट की। तो मूवमेंट एंड बैलेंस बेटा, जस्ट रिमेंबर इट, मूवमेंट एंड बैलेंस आर कंसर्न विद योर सेरिबेलम। फिर जो ब्रेन स्टेम है, कह रहे हैं वो रीजन है जो कि बेसिकली आपका नीचे स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होता है और ऊपर आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर और स्पाइनल कॉर्ड, अगर ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, उन दोनों के बीच में जो पूरा पार्ट एक्सटेंड करता है जिसमें मिड ब्रेन आता है, पॉन्स एंड मेडुला आता है, दैट्स योर ब्रेन स्टेम। यहाँ डायग्राम मौजूद है, ये आपका मेडुला हो गया, ये पॉन्स एंड सेरिबेलम एंड मिड ब्रेन, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। लेकिन अगर हाइंड ब्रेन में बनाना चाहूँगा तो हाइंड ब्रेन में पॉन्स एंड मेडुला आएगा और प्लस सेरिबेलम। क्या हाइंड ब्रेन के अंदर बेटा पॉन्स आता है, मेडुला आता है एंड सेरिबेलम आता है, ठीक है। पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम आता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन के अंदर आपके पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। अगेन मैं याद करवाना चाह रहा हूँ, हाइंड ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है? पॉन्स आता है, और क्या आता है? मेडुला आता है, और क्या आता है? हाइंड ब्रेन है, तो हाइंड ब्रेन के अंदर आपने पीछे वाला पार्ट सेरिबेलम लगा देना है। अगर वो होता ब्रेन स्टेम, अगर वो होता आपका ब्रेन स्टेम, तो फिर आपने क्या कहना था? आपने कहना था सर ब्रेन स्टेम के अंदर हमारा होगा मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। जो लाइन से तीनों चीज़ें आ रही हैं वो ब्रेन स्टेम है। अगर इस चीज़ को शामिल कर दूंगा और मिड ब्रेन जो एम बी है, मिड ब्रेन, इसको उड़ा दूंगा, दिस होल थिंग जिसमें सेरिबेलम है, पॉन्स एंड मेडुला है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ माई ब्रेन स्टेम, ओके। और ये जो इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन है लाइक ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट, ऑब्वियसली आपके इस ब्रेन स्टेम के अंदर पॉन्स भी आ रहा है, मेडुला भी आ रहा है। मेडुला का काम क्या था? ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट, स्वेलिंग वगैरह उसको कंट्रोल करना, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट वगैरह, स्वेलिंग को। पॉन्स का काम क्या था? स्लीप वगैरह कंट्रोल करना और हार्ट रेट भी आपका पॉन्स भी कंट्रोल करता है। तो मेडुला एंड पॉन्स दोनों करते हैं। तो सिंस ये दोनों ब्रेन स्टेम के अंदर हैं तो ब्रेन स्टेम पर ये वाले काम भी करवाएगा। और कह रहे हैं ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। ये वाले नाम भी याद रखने हैं। मेडुला का दूसरा नाम है माइलेनसेफेलॉन, पॉन्स का दूसरा नाम है मीटेनसेफेलॉन, मिड ब्रेन का है मीजन, मिड ब्रेन मीजन एंड मेटेनसेफेलॉन इज पॉन्स, ठीक है। एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा इज कॉल्ड माइलेनसेफेलॉन। ये दोनों नाम भी आपको याद होने चाहिए। एंड अब हम डिस्कस करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, ओके। सो मैंने कहा था कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट हैं, एक था हमारा ब्रेन, और हमने ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर को इन डिटेल डिस्कस किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है स्पाइनल कॉर्ड। कह रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो बेसिकली, अगर ब्रेन है आपका पूरा इस तरह और ब्रेन यहाँ पर ख़त्म हो गया, यहाँ पर उसका सेरिबेलम वगैरह बन के और यहाँ पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर नीचे से पूरा यहाँ स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करता है, ठीक है। पूरा स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो इस तरह एक वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसके अंदर वो प्रोटेक्टेड होता है। तो कह रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है एक तरह की न्यूरॉन का केबल है, यानी कि बहुत सारी न्यूरॉन इसके अंदर मौजूद हैं जो ब्रेन से स्टार्ट होता है और आपकी बैकबोन के अंदर चलता है। कह रहे हैं इट इज़ इनक्लोज एंड प्रोटेक्टेड, ऑब्वियसली एक वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होता है। ये डायग्राम में भी विजिबल है कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है जो बीच में मौजूद है, यहाँ पर आपका वर्टिब्रा की बॉडी है पूरा, ये वर्टिब्रा है और इस तरह बहुत सारे वर्टिब्रा मिलके लाइन से, एक वर्टिब्रा यहाँ लगा होगा, एक यहाँ, बीच में उनके स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा होता है इस तरह, ये सारे प्रोटेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली कह रहे हैं कि जो अच्छा ना सिर्फ ये है बल्कि जैसे ही वर्टिब्रा है, फॉर एग्जांपल इमेजिन दिस वर्टिब्रा, अगर ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो अगर इस तरह है ये कोई वर्टिब्रा और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है, तो इस वर्टिब्रा के नीचे दोबारा वही मेनिंजेस की लेयर आएंगी, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर, और फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। एंड अगेन दोबारा वही कि एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मीटर के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस होगी, दैट विल बी कंटेनिंग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ओके। जस्ट रिमेंबर दीज इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, इसके साथ कह रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो जोन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के दो पार्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है। एक ये देखो एच जो बटरफ्लाई शेप्ड रीजन नज़र आ रहा है ना आपको, दिस पार्ट, दिस बटर शेप्ड, थोड़ा ग्रेश कलर है या थोड़ा लाइट ब्राउन कलर का है, बेसिकली होता ग्रे कलर का है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कुछ इस तरह है कि कुछ उसका अंदर का एरिया ऐसा है और बाहर का रीजन कुछ ऐसा है. दिस एरिया दैट्स कॉल्ड दैट्स द इनर एरिया जो अंदर थोड़ा कलरफुल है दैट्स कॉल्ड ग्रे मैटर एंड आउटर पार्ट इज कॉल्ड वाइट मैटर. तो दो जोन है, एक ग्रे मैटर है एंड वाइट मैटर है. जो ग्रे मैटर है एमसीक्यू का पॉइंट बता रहा हूँ, जो ग्रे मैटर है पहली बात वो अंदर होता है. स्पाइनल कॉर्ड का जो अंदर वाला है ग्रे मैटर है. ब्रेन में क्या पड़ा था, तो ब्रेन का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता था ना, तो ऊपर वाला पार्ट वो ग्रे होता था, नीचे वाला वाइट होता था. बट यहाँ पर अंदर वाला ग्रे है, उल्टा है. वहाँ आउटर ग्रे था, यहाँ इनर ग्रे है. जो ग्रे मैटर है बेटा, जो ग्रे मैटर है आपका ग्रे कलर का, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल बॉडीज़. हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, न्यूरॉन में हम कहते हैं कि बेसिकली इस तरह उसकी सोमा सेल बॉडी होती है, फिर एक्सोन होता है उसका, और यहाँ डेंड्राइट्स होते हैं. तो जो आपका ये ग्रे मैटर है वो इन न्यूरॉन बेसिकली सेल बॉडी यानी सोमा से मिलके बनता है, ठीक है. और किसकी सेल बॉडीज़ होती हैं, वो इंटर न्यूरॉन की, मोटर न्यूरॉन वगैरह की, और जो न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं उनकी होती हैं. सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ नहीं होती. जो सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ होती है ना, वो ये पार्ट बनाती हैं. जो सेंसरी न्यूरॉन है ना, सेंसरी न्यूरॉन, उनकी सेल बॉडी कहाँ पर होती हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, ये यहाँ पर होती हैं. इसको हम कहते हैं सेंसरी गैंग्लिया या डॉर्सल रूट गैंग्लिया. ये दिस ठीक है, याद रखना है कि जो सेल बॉडी हमारी इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन की वो कहाँ पर है, राइट डाउन. दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड. ओके सर, एंड वो वेयर आर द सेंसरी बेसिकली द सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, सर दे आर लोकेटेड आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन. तो जितनी भी सेंसरी न्यूरॉन हैं उनकी सेल बॉडी यहाँ होती है, फिर यहाँ से वो इस तरह एक्सोन निकल रहे होते हैं, ठीक है. ग्रे मैटर तो ये हो गया. सर वाइट मैटर जो है वो किससे मिलके बनता है, जो वाइट मैटर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ दिस डेंड्राइट्स एंड दिस एक्सोन. तो डेंड्राइट्स एंड एक्सोन मिलके वाइट मैटर बनाते हैं, ठीक है. क्यों सर, अच्छा वाइट, सर एक क्वेश्चन है आपसे कि वाइट मैटर जो होता है वो वाइट क्यों होता है. सर वाइट मैटर वाइट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर होती है माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ जो है इसको वाइट कलर देती है. आउटर जोन जो है वाइट मैटर है, उसके अंदर एक्सोन होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के. अच्छा, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है. अगर ये बटरफ्लाई शेप्ड एरिया कुछ इस तरह का है और ये इस तरह हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसका पार्ट इस तरह डिवाइडेड है कि एक पार्ट ये पीछे आ रहा है, दिस पीछे वाला पार्ट, दिस पीछे वाला पार्ट इज कॉल्ड डॉर्सल कॉलम, ठीक है. एंड दिस आगे वाला पार्ट बेसिकली जो यहाँ पर है, ये दिस पार्ट, दिस, ये डॉर्सल, पीछे वाला डॉर्सल है, आगे वाले चीज़ को कहते हैं वेंट्रल, तो दैट्स अ वेंट्रल कॉलम, और ये होते हैं लेटरल कॉलम. तो डॉर्सल कॉलम ये पूरा और ये वेंट्रल कॉलम है. तो जो सेंसरी न्यूरॉन है बेसिकली, जो सेंसरी न्यूरॉन है वो डॉर्सल कॉलम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं, राइट डाउन, दैट्स एमसीक्यू. कि सेंसरी न्यूरॉन जो है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर आई, फिर डॉर्सल रूट गैंग्लियन से वो डॉर्सल कॉलम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ गई. डॉर्सल रूट गैंग्लियन आउटसाइड होता है, ठीक है. तो ये लिखा हुआ है कि सेंसरी न्यूरॉन जो होती हैं वो डॉर्सल कॉलम के अंदर रन करती हैं, और जो एक्सोन होती है मोटर न्यूरॉन की इन वेंट्रल कॉलम में होती हैं. दीज नर्व ट्रैक में ऑल्सो कंटेन द डेंड्राइट्स ऑफ नर्व सेल. आउटर जोन वाइट मैटर कहलाता है, उसके अंदर एक्सोन है. आउटर जोन जो वाइट मैटर है उसके अंदर एक्सोन्स होते हैं. किसके एक्सोन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के होते हैं. सर सेंसरी न्यूरॉन होती कहाँ है, डॉर्सल कॉलम के थ्रू आ रही होती है, डॉर्सल कॉलम यानी कि पीछे वाले पार्ट में होती हैं. और इसके साथ साथ सर मोटर न्यूरॉन, सर मोटर न्यूरॉन कहाँ होती हैं, जो वेंट्रल कॉलम है उसके अंदर होती हैं, ठीक है. अच्छा, जो डॉर्सल कॉलम है इसको हम डॉर्सल हॉर्न भी कहते हैं, जो वेंट्रल कॉलम है इसको वेंट्रल हॉर्न भी कहते हैं, ठीक है, HORN हॉर्न. तो कह रहे मैसेज होता है हमारी बॉडी का जो ब्रेन तक जाना होता है, ब्रेन से वापस नीचे जाना होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है, जो कि बेसिकली बॉडी की इन्फॉर्मेशन का हाईवे है. तो एमसीक्यू का पॉइंट है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट इज़ द हाईवे ऑफ योर बॉडी इन्फॉर्मेशन. इसके साथ साथ मैसेज को रिले करता है. और रिफ्लेक्सेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिफ्लेक्सेस में क्यों, तो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आती है, सेंसरी न्यूरॉन फिर डायरेक्टली इंटर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. देखो ये है यहाँ पर आपका हाथ, हाथ पे किसी ने गर्म चीज़ से टच किया है, आप हाथ फ़ौरन से हटाना चाहते हो, रिफ्लेक्स लगाना चाहते हो, तो रिफ्लेक्स कैसी होगी, सेंसरी रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया, फिर वो इस सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इन्फॉर्मेशन गई, यहाँ पर उसकी सेल बॉडी थी जो कि डॉर्सल रूट, सेंसरी न्यूरॉन है ना, यस सर, सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ होती है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से बाहर है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही बाहर है. फिर वहाँ से जो इसका सेंसरी न्यूरॉन है वो इंटर होता है डॉर्सल कॉलम में, डॉर्सल कॉलम के थ्रू इंटर होता है, फिर यहाँ से आगे आता है वो वेंट्रल कॉलम में. किसके अंदर, वेंट्रल, आगे वाला कॉलम, जो वेंट्रल कॉलम है यहाँ से फिर स्टार्ट होती है मोटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन यहाँ से इस तरह चली जाती हैं. जो मोटर न्यूरॉन है ना, मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो सेंसरी न्यूरॉन है, उनकी सेल बॉडी है स्पाइनल कॉर्ड के बाहर। ठीक है तो रिफ्लेक्स होता है उसमें सेंसरी न्यूरॉन आता है और डायरेक्टली वो मोटर न्यूरॉन के पास सिग्नल भेजता है। तो अगर ऐसा रिफ्लेक्स है कि सेंसरी न्यूरॉन आए और डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन को पहुंचा दे इन्फॉर्मेशन, बीच में कोई इंटर न्यूरॉन ना हो, इसको कहते हैं मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। बट ऐसा है कि सेंसरी न्यूरॉन की इन्फॉर्मेशन आई, बीच में उसने इंटर न्यूरॉन को दी, दिस इंटर न्यूरॉन, एंड फिर उसने आगे पास कर दी हमारे मोटर न्यूरॉन को। तो सेंसरी देन इंटर देन मोटर, अगर सिम वाला चक्कर होगा दैट्स अ पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। ठीक है अब यहाँ पर डिस्कस किया है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व वो हैं जो बेसिकली आपके ब्रेन से राइज होती हैं। तो कह रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसके अंदर क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स दोनों होती हैं और उनके कुछ गैंग्लिया भी होते हैं। गैंग्लिया क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड गैंग्लिया। व्हाट इज गैंग्लिया? क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, ये वर्ड लिखना जरूरी है, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लिया। सर जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, जो मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी है इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड है ना, यस वो तो सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हुआ ना, यस तो फिर सर जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ है जो कि बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है, हम उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम दिया जाता है आपका न्यूक्लियाई का। तो द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इनसाइड सीएनएस दैट्स न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, एंड कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट्स कॉल्ड गैंग्लिया। जो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स हैं और जो उनके गैंग्लिया हैं ये मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन के अंदर स्टार्ट होती हैं और जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट और हेड को इनर्वेट करती हैं। हेड को एंड बॉडी के ऊपर वाले पार्ट को क्रेनियल नर्व इनर्वेट करती हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड है स्पाइनल नर्व में स्टार्ट होती हैं। 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, 31 स्पाइनल नर्व्स हैं। जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके अंदर सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर क्रेनियल नर्व्स हैं वो सेंसरी और मोटर दोनों इन्फॉर्मेशन लेके जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी टंग के अंदर कुछ आती हैं क्रेनियल नर्व्स, वो क्या करती हैं? वो जो टेस्ट की सेंसेशन है वो लेके जाती है क्रेनियल नर्व। अब फिर खाना आपने रखा ज़बान के ऊपर, उसको हजम भी तो करना है, उसको निगलना भी है, और उसको स्वेलो करने के लिए आपको जो ज़बान ऊपर करनी पड़ती है या उस ज़बान को आप मूव करते हुए बोलते हुए, वो भी क्रेनियल नर्व्स के थ्रू मूवमेंट हो रही है। ठीक है जो कि क्रेनियल नर्व का मोटर वाला पार्ट है। जो सेंसरी पार्ट है वो क्या है? वो टेस्ट की इन्फॉर्मेशन लेके चला जाता है। ठीक है डिटेल में आप MBBS में पढ़ोगे इंशाल्लाह। जो ज़्यादातर क्रेनियल नर्व्स हैं बेटा, ठीक है वो ज़्यादातर जो होती हैं सेंसरी एंड मोटर दोनों चीज़ें लेके जा सकती हैं। बट कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ सेंसरी लेके जा सकती हैं, जिसमें हमारे पास आता है क्रेनियल नर्व 1, ठीक है, एंड क्रेनियल नर्व 2। 1 जो है बेसिकली दैट इज़ लिंक्ड विद योर सेंसेशन ऑफ स्मेल, ठीक है, और जो 2 है 2 दैट इज़ लिंक्ड विद योर आई साइड विजन। ठीक है तो ओके ऑल्फैक्टरी यानी कि 1, ऑप्टिक यानी कि 2। ऑप्टिक नर्व जो है वो देखने के लिए काम आती है। तो ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक दोनों जो है ना 1 एंड 2 दे आर जस्ट लिंक्ड विद योर सेंसेस, नो मोटर कंपोनेंट। स्पाइनल नर्व जो हैं कह रहे हैं उसके 2 पार्ट्स हैं स्पाइनल नर्व। अब अच्छा एक और बात बहुत समझने वाली बात है। कैसे? ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये उसके ये 2 हॉर्न होते हैं, जो बटर शेप जो एरिया होता है ग्रे मैटर। अब वो स्पाइनल नर्व पता कैसे बनती है? ऐसे बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आई सेंसरी वाली, सेंसरी, और फिर यहाँ से आई मोटर। तो आखिर में सेंसरी और मोटर नर्व दोनों मिल जाती हैं और ये स्पाइनल नर्व बना देती हैं। तो जो स्पाइनल नर्व है उसमें सेंसरी कंपोनेंट भी होगा और मोटर कंपोनेंट भी होता है। तो इसको अच्छा ये कहलाती है इसकी सेंसरी रूट एंड दिस इज़ कॉल्ड मोटर रूट। जो स्पाइनल नर्व है इसके 2 रूट हैं, एक सेंसरी रूट एंड मोटर नर्व है। तो सेंसरी रूट एंड मोटर रूट दोनों मिलाकर स्पाइनल नर्व बनाती हैं। MCQ पॉइंट, स्पाइनल नर्व जो है वो सेंसरी प्लस मोटर रूट दोनों से मिलके बनती है, यानी कि सेंसरी एंड मोटर दोनों इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी है। ठीक है तो कह रहे हैं एक्सॉन्स जो होते हैं वो जो फाइबर होते हैं जो सेल बॉडी से निकल रहे होते हैं ना, ये वाले एक्सॉन, जो एक्सॉन होते हैं हमारे सेंसरी न्यूरॉन के, वो स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल सरफेस डॉर्सल कॉलम से एंटर होते हैं और क्या बनाते हैं? डॉर्सल रूट, यानी कि जो सेंसरी रूट है इसको डॉर्सल रूट भी कहते हैं। डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, जो डॉर्सल रूट है जो पीछे वाला पार्ट है वो सेंसरी होता है। तो डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व जो है वो सेंसरी है। जो मोटर एक्सॉन होते हैं वो आगे वाले पार्ट से वेंट्रल सरफेस से लीव करते हैं यहाँ से और वो बनाते हैं वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट सेंसरी, वेंट्रल रूट मोटर, एंड दिस फिट्स डॉर्सल रूट एंड मोटर रूट दोनों मिलकर स्पाइनल नर्व बना लेते हैं। ठीक है तो सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन आर ग्रुप टुगेदर आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, इनको हम कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया। क्या कहा था मैंने? जो सेंसरी हमारी न्यूरॉन है उनकी जो सेल बॉडी है आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया। तो मोटर न्यूरॉन की हैं, दे आर लोकेटेड विद इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड आर नॉट लोकेटेड इन गैंग्लिया, उनको कहते हैं न्यूक्लियाई। जो वेंट्रल वाली है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है न्यूक्लियाई की फॉर्म में, दे आर नॉट लोकेटेड इन द गैंग्लिया। ओके ठीक है अब यहाँ पर आसान काम आ गया कि हमारे पास जो अब हमने क्या कहा था CNS था, उसके दो पार्ट हमारे पास था नर्वस सिस्टम, उसके दो पार्ट थे CNS जिसको हमने पूरा पढ़ लिया। अब है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसका हमने एक पार्ट जो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स हैं वो तो पढ़ लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका कंपोनेंट सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। जो सोमैटिक वाला है ये वॉलंटरी है, आपके कंट्रोल में है, आपके कॉन्शियस कंट्रोल में है, आप खुद कंट्रोल करते हो। इसकी न्यूरॉन जो है वो स्केलेटल मसल्स आपकी बॉडी के मसल्स को बेसिकली इनर्वेट करती हैं, तो वो मसल्स स्केलेटल मसल्स वो हैं जो आपकी हड्डियों के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि आपके कंट्रोल में है, ठीक है। और आपकी मर्ज़ी से आपके कॉन्शियस कंट्रोल में होकर आप उनको कमांड देते हो और वे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्सेस दैट डू नॉट रिक्वायर कॉन्शियस कंट्रोल। यानी कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, इसकी न्यूरॉन स्टिमुलेट करती हैं स्केलेटल मसल्स को। MCQ पॉइंट, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन है वो स्केलेटल मसल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, टू कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू कॉन्शियस कमांड एंड एज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स। अच्छा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम सिर्फ ये वॉलंटरी के साथ नहीं बल्कि जो रिफ्लेक्सेस का फिनोमेना है, MCQ पॉइंट, रिफ्लेक्सेस प्लस वॉलंटरी कंट्रोल दैट इज़ व्हाट मेकअप द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सर रिफ्लेक्सेस क्यों, वो तो इनवॉलंटरी है बेटा, रिफ्लेक्सेस भी तो करानी है ना। फिर हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस। ऑटोनॉमिक वो है जो बेसिकली आपकी जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, जैसा कि आपके हार्ट की मसल्स हैं, आपकी ब्लड वेसल्स की जो ब्लड वेसल्स हैं जो उनके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं वो हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो आपका GI ट्रैक्ट है, खाना कैसे हजम करना है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी वगैरह के फंक्शन, एंडोक्राइन सिस्टम, कौन सा हार्मोन कब रिलीज़ करना है, ये सारे इनवॉलंटरी हैं एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, कह रहे हैं। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो तीनों पार्ट हैं, ये दो पार्ट हैं किसके, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। बेसिकली सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो हैं दे आर एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली एंड केमिकली डिस्टिंग्विशेबल, यानी आप इनके दरमियान फ़र्क कर सकते हो। ये कौन से हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक भाई आपका है फाइट और फ्लाइट, गुस्से वाला, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जितनी भी एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर करता है। आपने लड़ना है, गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। और एमसीक्यू पॉइंट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी नर्व्स आती हैं, थोरैसिक एंड लंबर। एमसीक्यू पॉइंट है बेटा, अब मैं आपको कुछ याद कराता हूँ, सीथोलम्साको बेसिकली आपके स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स के नाम है, सर्वाइकल, थोरैसिक, फिर क्या है लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक्स। सर्विकल जो होता है आपकी वो 7 होती हैं, 12, 12, लंबर आई गेस ये 7 से 8, 7 ही होती हैं, सैक्रल भी आई गेस 7 to 8 होती हैं, एंड फिर कॉक्सिक नहीं बल्कि सैक्रम की 5 होती हैं, 5 या 4, और कॉक्सिक की 4 होती हैं। इसमें कोई मसला हो सकता है, जस्ट चेक दैट, बट याद रखना सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर। जो लंबर हैं हमारे पास, ठीक है, एंड ये जो थोरैसिक हैं, थोरैसिक एंड लंबर दोनों क्या बनाती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो है आपका रेस्ट वाला, रूमिनेशन वाला, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला सिस्टम है, सुकून वाला है, लीजर, जो आपको मज़े चाहिए उसके लिए ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है। आपको सोना है, पैरासिम्पैथेटिक। हार्ट रेट, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, आपका जो हार्ट रेट है वो कम हो जाता है, ठीक है, सुकून से। आपके जो जब आप सुकून से बैठे हो आपको ज़्यादा तेज़ सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो जो हार्ट का जो वो ट्रैकिया वगैरह है या फिर जो हार्ट का जो पूरा एयर पैसेज है वो भी नैरो हो जाता है। इसके साथ साथ आप रेस्ट पर हो, डाइजेस्ट पे हो, तो खाना खा रहे होगे, खाना हजम भी तो करना है वो, आप रेस्ट पर हो, डाइजेस्ट पे हो, सुकून से हो, तो बेसिकली आपकी यूरिनेशन भी होगी ना। जब गुस्से में होते हो आप, फॉर एग्जांपल आपकी जान जा रही है, तो उस वक्त आपको यूरिन पास आउट करने का सोचोगे या फिर जान बचाने का, ऑब्वियसली जान बचाने का। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इट इज़ कंसर्न विद यूरिनेशन वगैरह भी टू, ठीक है। इसके अंदर कौन सी आती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स ऑफ द ब्रेन एंड सैक्रल नर्व फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो क्रेनियल नर्व्स प्लस सैक्रल, सैक्रल एंड क्रेनियल बनाती हैं पैरासिम्पैथेटिक, थोरैसिक एंड लंबर बनाती हैं सिम्पैथेटिक। ये दोनों MCQ के पॉइंट हैं, जस्ट राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक और एनी अदर प्लेस, ठीक है। अब वी हैव टू डिस्कस द रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स, और वो काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी नाक की जो एपिथीलियम है ना, नेजल एपिथीलियम, उसकी ये ड्राइंग है। नेजल एपिथीलियम इस तरह है कि आपका ये एक ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से ये एक्सॉन आ रहा है, ये पूरा न्यूरॉन है, उसकी सेल बॉडी है, वहाँ से एक एक्सॉन आ रहा है, एक्सॉन आता है और एक्सॉन आखिर में दिस एपिथीलियम, दिस एपिथीलियल से इसको हम कहते हैं नेजल एपिथीलियम, जो नाक की एपिथीलियम है, ठीक है, नेजल एपिथीलियम है। वहाँ से आगे निकलते हैं सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व है, द क्रेनियल नर्व 1, ये आपकी सेंसरी जो स्मेल वगैरह की इन्फॉर्मेशन है वो लेके जाती है। कैसे लेके जाती है? उसका जो एक्सोन होता है वो इस तरह आगे आता है और वो सीलिया में डिवाइड हो जाता है। जो सीलिया है यहाँ पे होते हैं बहुत सारे रिसेप्टर, और जब भी कोई फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ स्मेल करना चाहते हो ना, वो इस म्यूकस में उसकी स्मेल का जो केमिकल होता है वो इस म्यूकस में डिसॉल्व हो जाता है। फिर जो म्यूकस होता है ये सीलिया के अंदर मौजूद रिसेप्टर के साथ लगता है। फिर जब रिसेप्टर के साथ लगता है तो डिपेंडिंग कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन ऊपर चली जाती है। ठीक है, यही यहाँ पे उन्होंने शो किया है। नाक की कैविटी है और समझो ये ओडोरेंट्स हैं, ये वो केमिकल्स हैं जिनको आपने स्मेल को चेक करना है। ये केमिकल जो हैं आपके वो सीलिया पे लगे हुए रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, फिर वो जो रिसेप्टर है आगे कनेक्टेड है विद योर एक्सॉन ऑफ योर ऑल्फैक्टरी नर्व, और फिर वो आगे ऑल्फैक्टरी नर्व जो है और या ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन जो है वो डायरेक्टली आपके सेरिब्रम यानी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब इसको रीड कर लेते हैं क्या कहते हैं, देखते हैं वो कुछ अलग बात तो नहीं करते। ऑब्वियसली थोड़ी बात तो वो एक्स्ट्रा करते ही करते हैं हमेशा। कह रहे ह्यूमन के अंदर जो सेंस ऑफ स्मेल है वो होती है लेकिन कुत्तों में ज़्यादा होती है। क्यों सर उनमें अच्छी होती है? क्योंकि जो उनकी एपिथेलियम में ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है, जो स्मेल है ऑल्फेक्शन है इन्वॉल्व द कीमो रिसेप्टर, इसमें केमिकल रिसेप्टर है, ऑब्वियसली केमिकल को बाइंड करना है ना, और ये अपर पोर्शन में होता है। नाक का जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऑल्फेक्शन के साथ कंट्रोल नहीं करता, उसके अंदर हेयर होते हैं जो बेसिकली आपके डस्ट वगैरह को रोकते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट है द अपर पार्ट ऑफ योर नेजल कैविटी इट इज़ व्हाट विच इज़ कंसर्न विद ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो कि स्मेल वगैरह के साथ कंसर्न होता है। कह रहे हैं जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है इंसान की वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू मैमल्स डॉग्स वाली, जहाँ पर सेंस ऑफ स्मेल इज़ फार मोर एक्टिव। ऑब्वियसली कुत्तों का सेंस ऑफ स्मेल मोर है। क्यों? क्योंकि जो उनका ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है जिसको हम नेजल एपिथेलियम भी कहते हैं इट इज़ मोर डेवलप इन दैम, इट इज़ मोर डेवलप इन दोज डॉग्स। ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन जो होते हैं जो उनके डेंड्राइट्स होते हैं वो एंड इन टेसल्स ऑफ सीलिया, जो उनके डेंड्राइट्स हैं ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन है, ये ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी है, उसके जो डेंड्राइट्स हैं आते हैं और वो सीलिया के अंदर चले आते हैं। तो सीलिया के अंदर डेंड्राइट्स होते हैं एंड दे प्रोजेक्ट, जो डेंड्राइट्स हैं सीलिया वाले डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट सीलिया के अंदर गए, फिर सीलिया जो है आगे उस म्यूकस के अंदर चला गया विच गो इनटू द म्यूकस। ठीक है, प्रोजेक्ट इनटू द नेजल म्यूकोसा, और उनके जो एक्सोन है जो ऊपर वाला पार्ट था वो ज़्यादा सेरिब्रम है। तो एमसीक्यू का पॉइंट है कि जो आपके नेजल एपिथेलियम की तरफ आ रहा होता है वो डेंड्राइट्स होते हैं, जो ब्रेन की तरफ जा रहा होता है वो एक्सोन होते हैं। ठीक है, दैट इज़ द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, जो एक्सोन है वो डायरेक्टली सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जाता है। जब कोई ऑडोरस यानी कि कोई स्मेल वाली चीज़ आती है डिफ्यूज़ करके आपके उन म्यूकस के अंदर मिक्स हो जाती है, फिर वो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करती है। आपके रिसेप्टर 1000 तकरीबन रिसेप्टर होते हैं जो प्रोटीन वाले होते हैं जो ऑल्फैक्टरी सीलियम के अंदर लगे होते हैं। एक जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो स्पेशलाइज है टू बाइंड अ स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्टिमुलेट द ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन टू सेंड मैसेज, यानी कि कोई अच्छी स्मेल वाली चीज़ है वो एक तरह के रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, जो बुरी स्मेल है वो दूसरे को करेगी। अब हमारे पास गस्टेटरी यानी कि गस्टेटरी कहते हैं टेस्ट रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट रिसेप्टर जो है आपके इस तरह टंग के ऊपर लगे हुए हैं, और जो ये रिसेप्टर होते हैं वो दे आर इन फॉर्म ऑफ टेस्ट बड। तो रिसेप्टर फॉर टेस्ट आर मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल, जो एपिथेलियल सेल्स की मॉडिफिकेशन होती है ये, और ये जो होते हैं टेस्ट बड की फॉर्म में होते हैं, जो कि तकरीबन 10,000 टेस्ट बड हैं हमारी टंग के ऊपर। जो कह रहे हैं जितने भी टेस्ट बेड होते हैं कह रहे हैं उनके ऊपर से एक निपल लाइक प्रोजेक्शन निकलती है, निपल लाइक कुछ इस तरह का एरिया निकलता है इस तरह, उसको हम पेपिला कहते हैं। तो टेस्ट बेड के ऊपर होते हैं पेपिला, और उसी पेपिला के ऊपर बेसिकली कोई टेस्टी सब्सटेंस आगे बाइंड करती है। और अगर देखा जाए तो साइड पे होता है हमारा सावर टेस्ट, सबसे पीछे होता है बिटर टेस्ट, बीच में होता है उमामी। उमामी इज़ दैट टेस्ट बेसिकली जो कि मीट वगैरह का होता है, जो चीज़ फॉर एग्जांपल मुझे बर्गर्स बहुत पसंद है तो मेरा उमामी टेस्ट ना बर्गर्स वाला होगा, यानी कि जो मैं बर्गर जो खाऊंगा, मैं सिंगर खाऊँ, सैंडविच खाऊँ, कुछ भी खाऊँ तो मीट वाली चीज़ खाऊंगा। बेसिकली इसमें जो ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड होता है वो हमारे मीट के अंदर बहुत होता है, या दूसरे कोई अमाइनो एसिड वो उमामी टेस्ट देंगे, ग्लूटामेट एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड। स्वीट यहाँ पर होता है सबसे आगे, टिप ऑफ द टंग है वहाँ पर सॉल्टी होता है। ये 5 हमारे पास टेस्ट इनको याद रखना है, स्वीट, सावर, सॉल्टी, बिटर, उमामी। उमामी जो है ग्लूटामेट और दूसरे अमाइनो एसिड की है, जो कि हार्टी यानी कि बेहतरीन टेस्ट हमें देता है। फिर यहाँ पर हमारी स्किन के बारे में कह रहे हैं कि हमारी स्किन के अंदर भी कुछ हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। कह रहे हैं कुछ मैकेनो रिसेप्टर हैं, मैकेनो रिसेप्टर वो होते हैं जो बेसिकली टच को रिस्पॉन्ड करते हैं। दे आर इन डर्मिस, हमारी स्किन की जो आउटर लेयर होती है, सॉरी यहाँ आउटर होती है एपिडर्मिस, फिर यहाँ पर होती है डर्म, यहाँ पर एपिडर्मिस, देन फिर आई डर्मिस, और नीचे होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस। ओके, तो कह रहे हैं जो डर्मिस के अंदर होते हैं हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर, और कुछ जो होते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर भी होते हैं। दीज रिसेप्टर कंटेन सेंसरी सेल विच डिटेक्ट वेरियस फॉर्म ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट नॉन एज सेंस ऑफ टच। तो ये जो हमारे मैकेनो रिसेप्टर हैं, ये हमारे क्या एपिडर्मिस में होते हैं? नहीं, दे आर फाउंड इन योर डर्मिस। ये अगर फॉर एग्जांपल दैट्स योर डर्मिस, ठीक है, तो ये है हमारा एपिडर्मिस, सॉरी दैट्स योर एपिडर्मिस, दैट्स योर डर्मिस। ये डर्मिस के अंदर हमारे सारे होते हैं, या डर्मिस के साथ साथ ये जो सबक्यूटेनियस लेयर है ना, जिस सबक्यूटेनियस लेयर इसके अंदर भी वो पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा? मैकेनो। तो मैकेनो कहाँ पर है? दे आर इन योर डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। याद रखना है, एपिडर्मिस में नहीं है बेटा। आगे बात करूँ तो इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ खास टाइप्स बताई गई हैं हमारे पास। कुछ होते हैं फेजिक रिसेप्टर। यार फेजिक रिसेप्टर वो होते हैं कि जिनको आप एक दफ़ा टच कर दो, बस वो एक दफ़ा सिग्नल भेजेंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि यार ये चीज़ मुझे अभी भी टच कर रही है, इसको हटाओ यहाँ से। तो वो रिसेप्टर जो सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स शो करते हैं और उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं फेजिक रिसेप्टर। जो हमारे हेयर फॉलिकल के रिसेप्टर्स होते हैं और जो मीजनर कोर्पसल्स, कुछ रिसेप्टर का नाम है, ये क्या है, कैसे काम करते हैं, दैट इज़ बेसिकली नॉट इन योर स्कोप। जस्ट रिमेंबर कि जो हेयर फॉलिकल वाला रिसेप्टर और जो मीजनर कोर्पसल वाले रिसेप्टर हैं, ये वो हैं जो बेसिकली उन एरियाज़ पर पाए जाते हैं जो जिनके ऊपर हेयर नहीं होता। खास तौर पर जो मीजनर कॉर्पसल्स हैं, दे आर फाउंड इन दोज एरियाज विच डू नॉट कंटेन हेयर, सच एज फिंगर टिप्स एंड निपल्स। तो जो निपल वाला एरिया है, दैट बेसिकली जो पिगमेंटेड पार्ट होता है, अगर पूरा की ब्रेस्ट होता है ना, ब्रेस्ट का जो पिगमेंटेड पार्ट है, दैट्स कॉल्ड निपल। तो निपल के एरिया के ऊपर और उसके साथ साथ वो एरिया जो आपकी हैंड है, ठीक है, फिंगर्स के ऊपर भी हेयर्स नहीं होते। तो निपल के एरिया पे और फिंगर के एरिया पे कोई बेसिकली हेयर्स नहीं होते, तो वहाँ पर मीजनर कॉर्पसल होते हैं। और जहाँ पर हेयर है वहाँ पर हेयर फॉलिकल वाले रिसेप्टर होते हैं। ये वो हैं जो बेसिकली एक तरह का फ़ौरन आने वाला, किसी चीज़ ने आपको टच किया तो फ़ौरन सिग्नल दे देंगे इस चीज़ ने टच किया है। जब दोबारा टच करोगे दोबारा सिग्नल दे देंगे। अगर आप टच करके बैठ जाओगे तो फिर ये मीजनर कॉर्पसल बार बार इन्फॉर्मेशन नहीं भेजता जाएगा। तब जो चीज़ बार बार इन्फॉर्मेशन भेजती जाएगी उनको हम टॉनिक रिसेप्टर कहते हैं, जो कि वो कहते रहे, वो टॉनिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर हैं जो बार बार बताते रहेंगे कि मुझे इस चीज़ ने अभी टच किया हुआ है। फेजिक रिसेप्टर, फास्ट रिसेप्टर जो एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन भेज के चेंज कर देंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब दोबारा इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हो तो दोबारा आपको उनको दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। मीजनर कहाँ पर होते हैं? जहाँ पे हेयर नहीं होते, ठीक है, खास तौर पर फिंगर टिप्स वगैरह पे और निपल एरिया पे और पाम पे, और हेयर फॉल के रिसेप्टर हैं। फिर टॉनिक रिसेप्टर में आपके पास रफनाइक और पसल्स आते हैं जो आपके डर्मिस में होते हैं, एंड टच डोम एंडिंग जिनको मर्कल डिस्क कहते हैं। तो रफनाई एंड मर्कल डिस्क जो हैं ये आपकी स्किन की सरफेस के ऊपर होते हैं। रफनाई जो है आपका डर्मिस में होता है, रफनीज और पसल डर्मिस के अंदर है, और जो टच डोम एंडिंग्स वगैरह जिनको मर्कल डिस्क भी कहते हैं, ये पाए जाते हैं आपकी स्किन सरफेस के ऊपर। ये रिसेप्टर वो हैं जो टच की पूरी ड्यूरेशन बताएंगे, ये बताएंगे सर अभी भी मुझे टच कर रहा है बंदा, इसको कहीं हाथ उठा ले वगैरह वगैरह। और ये भी बताएंगे ना सिर्फ कि टच कर रहा है, बल्कि बताएंगे टच किस हद तक कर रहा है, कोई ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज़ बेसिकली लिंक्ड विद रफनाई एंड मर्कल। अगेन रफनाई, मर्कल, टॉनिक हैं। टॉनिक का मतलब है इन्फॉर्मेशन बार बार भेजते रहेंगे और उसकी इंटेंसिटी भी भेजते रहेंगे। इसके साथ कह रहे हैं दीज रिसेप्टर मॉनिटर द ड्यूरेशन ऑफ टच एंड एक्सटेंड ऑफ टच। फिर डीप बिलो द स्किन प्रेशर, स्किन सेंसेशन, प्रेशर सेंसेशन रिसेप्टर को पसीनियन कॉर्पसल। आपकी स्किन के बिल्कुल डीप एरियाज पे, बिल्कुल नीचे नीचे कुछ प्रेशर वाले रिसेप्टर भी हमारे पास होते हैं। पसीनियन, ये आपकी एपिडर्मिस, दिस डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू में है आपके पास पसीनियन कॉर्पसल जो प्रेशर के लिए हैं, मीजनर टच के लिए हैं, रफनाई आपके प्रेशर के लिए हैं। ये आपने इनको लिखना है, इनका निमोनिक बना के इनको याद करना है। फ्री नर्व एंडिंग जो होती है, हाँ ये एमसीक्यू पॉइंट है। फ्री नर्व एंडिंग, जो फ्री नर्व एंडिंग होती है बेसिकली ये वो नर्व एंडिंग है जिनको किसी शीट ने या किसी कैप्सूल ने कवर नहीं किया। जो फ्री नर्व एंडिंग होती हैं वो पेन, एमसीक्यू पॉइंट, पेन, हीट एंड कोल्ड, इसके साथ लिंक्ड हैं। फिर मर्कल डिस्क जो होती हैं वो टच के साथ, कौन सा टच? टच और उसकी ड्यूरेशन, मर्कल डिस्क टच एंड उसकी ड्यूरेशन। और रफनाई एंडिंग, प्रेशर, रफनाई एंडिंग एंड मर्कल डिस्क दोनों जो थी हमारे पास वो डर्मिस के अंदर पाई जाती थी और स्किन के ऊपर वाले एरिया पे पाई जाती थी। एंड ये हमारे पास लिंक्ड होती थी विद व्हाट, दे वर बेसिकली लिंक्ड विद योर टॉनिक कंट्रैक्शन, कि कोई चीज़ आपको लगातार टच कर रही है तो कौन बताएगा सिग्नल? रफनाई, रफनाई लगातार, रफनाई लगातार, मर्कल लगातार, मर्कल और रफनाई दोनों लगातार। बट जो आपका मीजनर कॉर्पसल था, मीजनर जो ऊपर होता था और रूट वाला, रूट हेयर, ठीक है, या हाँ रूट हेयर, और जो मीजनर कॉर्पसल था ये सिर्फ एक दफ़ा सिग्नल भेज के ख़त्म हो जाएंगे। पसीनियन वो हैं जो प्रेशर के साथ डील करते हैं। और फिर कह रहे हैं कुछ ऐसे होते हैं जो नोजी रिसेप्टर हैं, पेन वाले, ये नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब है दे आर अनकवर्ड, इसलिए इनको हम फ्री नर्व एंडिंग भी कहते हैं। और ये जो नोकजियस या फिर जो डैमेजिंग है यानी कि पेन वाली इन्फॉर्मेशन है वो ये फ्री नर्व एंडिंग जो है उनको डिटेक्ट करती हैं। एंड नाउ वी विल कवर, बल्कि काम करते हैं ये जो लास्ट पार्ट है, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग वगैरह, ठीक है, और उसके साथ साथ जो हमारे ब्रेन की एबनॉर्मेलिटीज़ है और बीमारियों को कैसे डिटेक्ट करना है, ये मैं एक और वीडियो में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है। सो इसको यहाँ तक रोकते हैं। इंशाल्लाह विल बी बैक इन अनदर वीडियो, जिसमें हम बहुत ओवरव्यू देंगे, क्योंकि वो टॉपिक ऐसे हैं जो इतने ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। ठीक है, सो विल बी बैक इन अनदर वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। विल बी बैक विद थर्ड पार्ट ऑफ इट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।